हो गया स्टार्ट, ये स्टार्ट हो गया। ऑन करके पैकेट में रख, ऑन है सर, पैकेट में रख ले, खोसने की जरूरत नहीं है। पैकेट ऑन हो गया, हो गया, ठीक है। जाइए हम यहाँ से क्लिक कर देंगे। रेडी, वन टू, हाय। चारा, हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? आवाज़ कहाँ आ रही है? आवाज़ ठीक है, हम उसमें आ रहा वीडियो में ही तो शादी कब कर रहा है? आवाज यहाँ नहीं आ जाएगा। बच्चा सबसे बात कीजिएगा सर। हाँ ना, दिमाग पता ही मत बनवाइए। मैं भी कभी बात भी करना जरूरी है ना। हाँ तो कभी भी बात, हाँ थोड़ा सा अंतिम में थोड़ा सा बात करा दीजिएगा ना। हेलो हेलो हेलो, आपसे टाइप तो मेरा आवाज आ रहा है इधर। हेलो हेलो, माइक यहाँ है कि वहाँ है? चलिए वेलकम ऑल ऑफ यू। आज मैथ के क्लास में कुछ डिस्टरबेंस उत्पन्न हो गया था, वो जानते हैं टेक्निकल डिवाइस जो है भाई ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कभी कभी जो है सिस्टम देखना पड़ रहा है। अब इस सिस्टम में कम से कम 3-4 आदमी चाहिए और हमारे पास टेक्निकल टीम में 2 ही आदमी अवेलेबल है, वो भी 2 आदमी, 1 आदमी ही काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये है, अभी हम लोग सीख रहे हैं और सीखते सीखते यहाँ तक पहुँचे हैं कि आपके पास जो है लाइव क्लास के थ्रू पूरे सब्जेक्ट को जो है वीडियो आपके पास पहुंच रहा है, आप लोग बैठ कर पढ़ भी रहे हैं। चलिए कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, कुछ याद वाद है? कल की क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाए थे 2 टॉपिक, एक बार हम रिकैप कर देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। एक टॉपिक था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बिटवीन 2 चार्ज कंडक्टर और दूसरा टॉपिक था टू फाइंड लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन 2 चार्ज कंडक्टर कनेक्शन। ये 2 टॉपिक पढ़ाए थे और दोनों का व्यंजक जो है बोर्ड पर सिद्ध किए थे। आज सेकेंड लास्ट क्लास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज समाप्त हो जाएगा, और आज नहीं कल समाप्त होगा। तो सेकेंड लास्ट क्लास करते हैं आज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में जब भी आता है कम से कम 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। टॉपिक का नाम देखिएगा, टॉपिक का नाम है
ये आज का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है वैन डे ग्राफ जनरेटर। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, 5 नंबर में क्वेश्चन, वैन डे ग्राफ जनरेटर है क्या। वैन डे ग्राफ एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने एक जनरेटर बनाया जिसे वैन डे ग्राफ जनरेटर के नाम से जाना जाता है। इसका परिभाषा ऐसे बोल सकते हैं आप कि वह संयंत्र जो उच्च विभव, इट मीन्स 6 से लेकर 8 मिलियन तक विभव उत्पन्न कर सकता है, वह वैन डे ग्राफ जनरेटर कहलाता है। इसका खोज सन 1931 ईस्वी में प्रोफेसर वैन डे साहब ने किया था और इन्हीं के नाम पर इस जनरेटर का नाम वैन डे ग्राफ जनरेटर रखा गया। बहुत लोग जनरेटर को जनरेटर भी बोलते हैं लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जनरेटर होता है। हम कई बार गांव में सुने कि जनरेटर आया है, तो जनरेटर नाम सुनते हैं फिर जनरेटर है क्या, जनरेटर नहीं होता है, जनरेटर होता है, जो बोर्ड पर लिखा गया आप देख सकते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है आपका पिक्चर। तो पहले हम परिभाषा लिखते हैं उसके बाद इसका पिक्चर बनाते हैं। परिभाषा भी बोले कि वह संयंत्र जो उच्च विभव, इट मीन्स कितना, 6 से लेकर 8 मिलियन तक विभव उत्पन्न करता है, वह वैन डे ग्राफ जनरेटर कहलाता है। इसका खोज सन 1931 ईस्वी में प्रोफेसर वैन डे ने किया था, इसलिए इसे वैन डे ग्राफ जनरेटर के नाम से जाना जाता है। इसका पिक्चर देखिए, पहले परिभाषा लिखते हैं। वह संयंत्र जो उच्च विभव, कितना, 6 से लेकर 8 मिलियन उत्पन्न करता है, वह वैन डे ग्राफ जनरेटर कहलाता है। वह संयंत्र जो उच्च विभव, कितना विभव, तो 6 से लेकर 8 मिलियन तक उत्पन्न करता है, वह वैन डे ग्राफ जनरेटर कहलाता है। इसका खोज ईस्वी में प्रोफेसर वैन डे ग्राफ
ने किया था। ये रहा आपका डिफिनेशन। वह संयंत्र जो उच्च विभव 8.6 से लेकर 8 मिलियन तक उत्पन्न करता है वह वान डे ग्राफ जनरेटर कहलाता है। इसका खोज 1931 में प्रोफेसर वान डे ग्राफ ने किया था। परिभाषा देखे हैं आप, लिखिए परिभाषा, पहले इसको लिखते हैं उसके बाद लिख लीजिए, छापिए इसके बाद मिटकाते हैं, उसका पिक्चर बनाते हैं। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक लिखिए जल्दी से। लिख लिए, अब वो वीडियो शूट होता था वहीं ठीक था, उसमें जो है आप लोग रोक के देख लेते थे, या इसमें क्या है कि आदमी कितना देर रुके या कोई मैसेज या कोई कमेंट या कोई कॉल भी नहीं है कि आदमी पूछ सकता है कि हाँ आप लोग लिखे हो कि नहीं लिखे हो। अब इससे हम लोग परेशानी हो रही है कि मिटका दे तब भी छूट जाता होगा, या ज़्यादा देर तक रुकते हैं तो कितना लोग कहेंगे सर हो गया टाइम पास कर रहे हैं, तो सब देखना है। इतना देर रुकना है कि छाप भी ले और इतना देर रुकना है कि टाइम पास भी ना हो, तो इसके लिए इसको जल्दी छापिए मिटका है। चलिए हमको उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे, मिटकाते हैं। तो क्या परिभाषा लिखा है, तो वह संयंत्र जो उच्च विभव उत्पन्न करता है वह वान डे ग्राफ जनरेटर कहलाता है। इसका खोज 1931 ईस्वी में प्रोफेसर वान डे ने किया था, जिसे वान डे ग्राफ जनरेटर के नाम से जाना जाता है। अब यह उच्च विभव 8.6 से लेकर 8 मिलियन तक विभव कैसे उत्पन्न करता है, इसको पिक्चर के द्वारा आपको हम समझाते हैं। बोर्ड पर इसका पिक्चर बनाते हैं जनरेटर का, और जनरेटर का पिक्चर बनाने के बाद आपको समझाते हैं कि कैसे जो है अधिक मात्रा में या हाई वोल्टेज कैसे उत्पन्न करता है। इसके लिए पिक्चर सबसे इम्पोर्टेंट है, आप पिक्चर बनाइए, हम भी अब पहले हम बनाते हैं उसके बाद आप बनाइएगा। तो सब पिक्चर बहुत बड़ा है, ये बोर्ड मिटकाना पड़ेगा, इसमें नहीं हटेगा, मिटकाते हैं। ये वान डे ग्राफ जनरेटर का पिक्चर बना रहे हैं, आप बोर्ड पर देखिए खूब ध्यान से, हम बोलेंगे तब बनाइएगा। दिखाई दे रहा है,
ये देखिए, ये गोलाकार धातु का गोल नहीं हुआ, थोड़ा सा टेढ़े हो गया। चलिए बनाइए। चलिए बोर्ड पर देखिए बन गया। माना कि यह लगभग 5 मीटर व्यास वाला एक धातु का गोला है, इसका नाम देते हैं एस, जो कुचालक स्टैंड S1 एवं S2 पर व्यवस्थित है और C1 तथा C2 दो कॉम्ब है। पिक्चर बनाते रहिए, समझते रहिए, सुनना भी है, समझना भी है और पिक्चर बनाना भी है। अब पिक्चर बनाने के बाद हम कुछ देर रुकेंगे तो फिर टाइम पास होगा, तो इसलिए आप देखते रहिए और उस पिक्चर को जो है बनाते रहिए, हम समझा रहे हैं। तो माना कि यह धातु का लगभग 5 मीटर व्यास वाला एक धातु का गोला है जो कुचालक स्टैंड S1 एवं S2 पर व्यवस्थित है। C1 और C2 जो है दो कॉम्ब है, C1 को कलेक्शन कॉम्ब और C2 को स्प्रे कॉम्ब के नाम से जाना है। नहीं, इसको बोलते हैं स्प्रे कॉम्ब, इसको बोलते हैं कलेक्शन कॉम्ब। स्प्रे कॉम्ब को हिंदी बोलते हैं फुहार कंघी, इसको बोलते हैं संग्राहक कंघी, इसको बोलते हैं स्प्रे कॉम्ब, इसको बोलते हैं कलेक्शन कॉम्ब। बोर्ड पर देखिए, C1 को बोलते हैं अभी लिखना है कि और समझना है, स्प्रे कॉम। C2 को बोलते हैं कलेक्शन कॉम। तो ये रहा धातु का एक गोला, बहुत बड़ा गोला होता है, 5 मीटर व्यास समझ रहे हो, व्यास 5 मीटर का, तो बहुत बड़ा होता है। और ये जो है कुचालक स्टैंड S1 और S2 पर व्यवस्थित होता है और इसमें दो कॉम्ब लगा, एक नाम है C1, एक का नाम है C2। कंघी है, कंघी जैसा होता है, कंघी नहीं होता है, ये नुकीला तार का बोलते हैं, नुकीले प्लेट का बना होता है लोहे का,
इसको बोलते हैं C1, इसको बोलते हैं C2, C1 को बोलते हैं स्प्रे कॉम और C2 को बोलते हैं कलेक्शन कॉम। अब ये जो दिखाई दे रहा है ये जो है आपका पुल्ली है, क्या है इसको बोलते हैं P1, इसको बोलते हैं P2। तो यह है P1 और ये क्या है P2 है। अब P1 और P2 दो कॉम्ब हो गया। अब इस पर, इस प्लेट पर, इस P1 और P2 पर जो है कुचालक पदार्थ का बेल्ट लगा होता है। क्या है कुचालक पदार्थ का बेल्ट होता है, इसको बोलते हैं बेल्ट। तो यह बेल्ट जो होता है यह P1 और P2 पर क्या होता है ओवरलैप होता है। अब यह P1 जो होता है एक दूसरे मोटर से कनेक्ट होता है। यह P1 और P2 क्या है, तो P1 और P2 को बोलते हैं पुल्ली, इसको हिंदी में बोलते हैं घिरनी जो नचाता है इसको। तो P1 और P2 क्या आ गया, पुल्ली हो गया, इस पर क्या चला है ये बेल्ट हो गया। बेल्ट किस पदार्थ का बना होता है, कुचालक पदार्थ का। अब इसमें इस कॉम्ब C1 को, P1 को मोटर से कनेक्ट करने के बाद ये कॉम्ब C1 को क्या करते हैं हम लोग, एक ये C1 जो होता है, C1 का एक सिरा जो होता है लगभग 10,000 वोल्ट विभव वाले बैटरी के धनावेशित सिरे से जुड़ा होता है। कितना, 10,000 वोल्ट विभव वाले बैटरी के एक सिरे से जुड़ा होता है। कौन सिरा से, प्लस से कि माइनस से, तो प्लस से। अब प्लस से जुड़े होने के कारण इस C1 कॉम से क्या होता है पॉजिटिव आवेश धनावेश के रूप में निकलना शुरू हो जाते हैं। तो यह आवेश जैसे यह आप जानते हैं कि यदि किसी चालक का ये जितना दोनों कॉम्ब लगा इसका सिरा नुकीला होता है और नुकीले सिरे पर पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान सबसे अधिक होने के कारण आप पिक्चर बनाते रहो सुनते रहो, नुकीले सिरे पर पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान सबसे अधिक होने के कारण नुकीले सिरे से, चालक के नुकीले सिरे से जहां शार्प होगा तीखा नोक होगा वहां पर से पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में इलेक्ट्रिक वाइंड निकलने लगते हैं जिसको बोलते हैं वैद्युत पवन। अगर वह कॉम्ब जो होगा अगर बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ा हो तो उसमें निकलने वाला आवेश क्या होगा नेगेटिव होगा, और कॉम्ब बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा हो तो निकलने वाला आवेश क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब यह कॉम्ब C1 जो है पॉजिटिव सिरे से जुड़े होने के कारण इस C1 कॉम के नुकीले सिरे से इलेक्ट्रिक वाइंड के रूप में धनावेश निकलने लगते हैं और यह धनावेश इस पुल्ली के बेल्ट पर आकर आच्छादित हो जाते हैं और यह जितने आवेश होते हैं सभी के सभी आवेश धनावेश के रूप में निकलते हैं। किस आवेश में, धनावेश के रूप में। ये देखिए यह धनावेश इस बेल्ट, इस पुल्ली के बेल्ट पर आकर छा जाते हैं और आप जानते हैं कि बेल्ट जो है यह कुचालक पदार्थ का बना हुआ है तो यह आवेश जितना इससे सिरा से निकलता है न्यूक्लियस से निकलता है उतना ही आवेश छाते हैं और वह आवेश इस बेल्ट के द्वारा अवशोषित नहीं किया जाते हैं, ऑब्जर्व नहीं किया जाते हैं या ट्रांसफर नहीं हो पाता है क्योंकि बेल्ट जो है कुचालक पदार्थ का बना हुआ है तो जितना आवेश आएगा उतना ही स्टोर होगा, ना अधिक आएगा तो अधिक स्टोर होगा, कम आएगा तो कम स्टोर होगा। अब यह आवेश जो होते हैं P1 से लेकर और P2 तक छा जाते हैं। अब देख लो बैटरी जो है लगभग 10,000 वोल्ट का बैटरी है तो श्योर है इससे निकलने वाला आवेश जो होगा उसका कैपेसिटी भी अधिक होगी और वह अधिक मात्रा में आवेश को उत्पन्न करेगा, वह सभी के सभी आवेश आकर इस कुचालक बेल्ट पर छा जाएंगे। छाने के दौरान वह आवेश इस बेल्ट के द्वारा अवशोषित नहीं होते हैं। आप ये भी जानते हैं कि यह P1 और P2 के पुल्ली की सहायता से यह बेल्ट ऐसे ऐसे घूमते रहता है, ऐसे ऐसे
दिखाए थे सिरा, ऐसे घूमता है। तो घूमने के कारण क्या होता है, यह आवेश को यहाँ से लेकर यहाँ तक ढोता है, C2 यानी C1 से लेकर C2 तक ढोता है। अब जैसे यह आवेश यहाँ से चलकर यहाँ आते हैं, तो आने के बाद इस C2 पर, C1 से चलकर C2 तक आने के बाद इससे जानते हो प्रेरण क्रिया के कारण एक प्लेट पर प्लस और दूसरे समानांतर रखा गया हो तो उस पर माइनस आवेश विद्युत प्रेरण क्रिया के कारण उत्पन्न हो जाता है। अब यह प्लस यहाँ चलकर जैसे C2 के पास पहुंचेंगे तो यहाँ प्लस आयन उत्पन्न कर देता है C2 कम पर, और C2 कम जो है धातु के गोले की सतह पर फिर पॉजिटिव आयन कर देता है। फिर से देखिएगा सुनिएगा, प्लस आवेश C1 से चलकर C2 के पास पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद C2 पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न करते हैं, और वह पॉजिटिव चार्ज जैसे C2 पर उत्पन्न होता है तो वह C2 धातु के गोले की सतह से जुड़ा है तो उस गोले के सतह पर पॉजिटिव आयन उत्पन्न कर देते हैं। तो प्लस गया तो माइनस उत्पन्न हो गया, फिर माइनस क्या किया उसको प्लस में कन्वर्ट किया। यह क्रिया विद्युत प्रेरण की क्रिया के नाम जाती है, और इस गोले के सतह पर ये जो है आपको धातु के गोले के सतह पर पॉजिटिव आयन उत्पन्न हो जाता है। अब पॉजिटिव आयन उत्पन्न होने के कारण यह आवेश काफी अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, काफी अधिक संख्या में उत्पन्न होता है, और यह आवेश लगभग 6 से लेकर 8 मिलियन तक वोल्टेज वाले विभव को उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार के डिवाइस को वैन डेर ग्राफ जनरेटर के नाम से जाना जाता है। अब ये अर्थिंग किया गया है, इसको बोलते हैं अर्थिंग। अब इस डिवाइस में आवेश अधिक मात्रा में उत्पन्न हो या इस डिवाइस में किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट ना हो, इसके लिए इसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब का उपयोग किया जाता है। बोर्ड पर देखिए, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। इसका काम क्या होता है, इस डिवाइस में उत्पन्न अधिक मात्रा में चार्ज को जो होता है ऑब्जर्व करके ये डिवाइस जो होता है डिस्चार्ज ट्यूब अपने अंदर समावेहित कर देता है, और उस आवेश को क्या करता है पृथ्वी के अंदर अधिक मात्रा में तो उसको समावेहित करता है ताकि इस पर शॉर्ट सर्किट ना हो या किसी प्रकार आग ना लगे या आवेश जो है किसी प्रकार का चिंगारी उत्पन्न ना करे। अब फिर से एक बार रिकेप कर देते सुन लीजिएगा, माना कि यह एक 5 मीटर व्यास वाले लगभग धातु का एक गोला है जो कुचला का स्टैंड S1 और S2 पर व्यवस्थित है। C1 और C2 दो कॉम्ब है, C1 को स्प्रे कॉम्ब और C2 को कलेक्शन कॉम्ब कहते हैं। P1 और P2 दो पुल्ली है, P1 जो है पुल्ली जो है एक मोटर से कनेक्ट होता है और उस पर एक कुचालक पदार्थ का बेल्ट जो है चढ़ा होता है। अब C1 जो है लगभग 10 वोल्ट वाले बैटरी के विभव से जुड़ा होता है, धनावेशी स्रोत से जुड़ा होता है जो
इस C1 से जो होता है हमेशा पॉजिटिव पर धनावेश के रूप में निकलता है और इस बेल्ट पर आकर छा जाता है। अब यहाँ से चलकर जैसे ही आवेश यहाँ पहुँचते हैं तो C2 पर माइनस चार्ज और यह फिर ये C2 जो होता है फिर जो होता है यह गोले की सतह पर जो होता है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, यहाँ यह प्लस जो है इसे कॉम पर माइनस और यह कॉम जो है इसे गोले की सतह पर प्लस आवेश उत्पन्न कर देता है जो चारों तरफ गोले की सतह पर प्लस आवेश छा जाता है। डी जो है एक डिस्चार्ज ट्यूब है जो इस डिवाइस में उत्पन्न अधिक मात्रा में उत्पन्न आवेश को ऑब्जर्व करके पृथ्वी के अंदर समावेश कर देता ताकि इस डिवाइस में शॉर्ट सर्किट ना हो। अब इस पूरे बर्थ डिवाइस से बचने के लिए इस पूरे के डिवाइस को एक इस्पात के टैंक में एक स्टील के टैंक में बंद कर दिया जाता है। ये रहा आपका इस्पात का टैंक, स्टील बोलते हैं इसको टैंक में बंद कर दिया जाता है। अब इसको चालू करने के दौरान स्टार्ट करने के दौरान इसे डिवाइस से लगभग 6 से लेकर 8 मिलियन तक विभव प्राप्त किया जा सकता है जो आपके सामने पिक्चर बोर्ड पर बना हुआ है। आप लोग क्लास में रहते तो आपके कार्डबोर्ड पर जो है आपसे घर से बनवा कर मंगाते, लेकिन आप लोग यहाँ है हो नहीं, घर पर हो तो कॉपी में ही बनाओ, अपने बनाकर अपने पेंट उन कर लो, उसको पेंटिंग कर लो या रंगीन बना दो या पेंसिल से बनाओ। अब अपने देखो हम क्या देखें, आप लोग कैसे बना रहे हो, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, यहाँ से दिखाई तो दे नहीं रहा, लेकिन ऐसा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे बच्चे हैं, जरूर पढ़ते होंगे बैठकर। तो इस पिक्चर को बनाइए, इसके बाद इसका बनावट, इसका क्रिया विधि, इसका सिद्धांत लिखाते हैं। पहले पिक्चर बनाइए उसके बाद लिखाते हैं, जल्दी से पिक्चर छापिए, आराम से बनाइएगा, हम 2 मिनट रुकते हैं पिक्चर बनाने के लिए, थोड़ा सा पिक्चर बड़ा है इसमें टाइम लगेगा, अब छापिए तब तक हम रुके हैं। अच्छा आपका है हम पहले से देख रहे हैं, पिक्चर बन गया। हाँ ऑन है, हेलो, ए कोई एक लड़का जो है तेरा कनेक्ट होता ना, कम से कम हाँ, नहीं नहीं जो लड़का क्लास में जो पढ़ रहा हो अगर उसका वीडियो कनेक्ट हो जाए एक मोबाइल पर ना, आ एक लड़का हाँ बस वो केवल उसका जो है सबका नहीं, केवल एक लड़का मोबाइल पर कनेक्ट करके आदमी जो है उसका सुन लेते हैं कि छापा कि नहीं छापा। अब पिक्चर मिटा देंगे फिर दोबारा बना नहीं सकते हैं, इसे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। आकाश कुमार
तो बोल क्या नहीं जाओ का सुनाई दे रहा है। पढ़ाई कैसा चल रहा है, क्या कर रहा था तुम अभी? तुम पढ़ाई कर रहा है कि क्या कर रहा है? चलिए बन गया होगा, अब इसको मिटाते हैं। परिभाषा लिखा दिए, पिक्चर बन गया, अब प्रिंसिपल दिखा डैश दीजिएगा। इसको बोलते हैं सिद्धांत। अब प्रिंसिपल है क्या, किसका प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं? वाइंड ग्राफ जनरेटर का प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वाइंड ग्राफ जो होता है, हम बोलते चलते हैं, आप लोग लिखते चलिए, दोनों काम कीजिए। परिभाषा ऊपर हो गया है, पिक्चर बन गया है, अब प्रिंसिपल देकर डैश दीजिए। बोल भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। यह मुकीले भाग के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वाइंडे ग्राफ जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नुकीले भाग के सिद्धांत पर। अब नुकीला भाग है क्या, लिखिए, इसी में लिखा देते हैं। यदि किसी चालक का कोई सिरा नुकीला हो तो नुकीले सिरे बिल्कुल सर, आ गया सर। चलिए हम फिर आ गए, बार बार जो है प्रॉब्लम हो जा रहा है। चलिए फिर अब ठीक हो गया है। लिखो, ये नुकीले भाग के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि चालक के सिरा कोई सिरा नुकीला हो तो नुकीले सिरे पर पृष्ठीय आवेश
घनत्व का मान अधिक होता है जिसके कारण नुकीले सिरे से पृष्ठीय इलेक्ट्रिक वाइंड बोलते हैं वैद्युत पवन निकलने लगता है। ये रहा कोई पूछे कि वैन डेर ग्राफ जनरेटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह नुकीले भाग के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर नुकीला भाग क्या है? तो यदि चालक का कोई सिरा नुकीला हो तो नुकीले सिरे पर पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान अधिक होता है, जिसके कारण नुकीले सिरे से इलेक्ट्रिक वाइंड निकलने लगता है और यह वाइंड हमेशा धनावेश के रूप में निकलता है। किस रूप में निकलता है? धनावेश रूप में। अब यह हो गया इसका परिभाषा, इसका पिक्चर और ये रहा इसका प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है उसके बाद है, इसी में है, वह है बनावट। अब बनावट देखकर डैश दीजिएगा। परिभाषा हो गया, पिक्चर हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, अब बनावट देखकर डैश दीजिए। क्या टाइम हो गया पढ़ाए और क्या बंद है? तो फिर पढ़ाएंगे तो बनावट लिखाएंगे तो लगभग आधा घंटा लग जाएगा। 5 मिनट में हो जाएगा? नहीं, कम से कम 25 मिनट लगेगा। हाँ, कल से है? एक काम कीजिए, पिक्चर बन गया है, परिभाषा लिखा दिए हैं और क्या बोलते हैं बनावट आज लिखा देते हैं। हम सोचे एक घंटा में इसको ख़त्म कर देते हैं, लेकिन आए हैं तो थोड़ा सा आधा घंटा लेट हो गया, आधा घंटा लेट से क्लास शुरू हुआ है, उसके बाद बीच बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो सर आकर बैठे हैं, आज इतना ही, हम रहने देते हैं, कल आएंगे तो कल इसको फाइनल कर देंगे एकदम। इसका बनावट, इसका क्रिया विधि लिखा कर, बस दो स्टेप और बचा, बनावट और क्रिया विधि लिखा कर, और उसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, इसमें क्या मेरिट है, इसमें क्या डिमेरिट है, उसको लिखा देंगे। कोशिश करें कल ये चैप्टर समाप्त हो जाए, फाइनली सुहा कर दें। चैप्टर समाप्त होने के बाद आपका केवल 6 से 7 दिन तक केवल न्यूमेरिकल ही बनवाएंगे आपके। आप लोग बहुत बार कमेंट करके लिखे थे सर न्यूमेरिकल कब से बनवाएगा, न्यूमेरिकल कब से बनेगा, तो डायरेक्टर से हम पूछे तो वो अनाउंस किए कि जैसे चैप्टर ख़त्म होता है इसके साथ ही इसके साथ आप न्यूमेरिकल बनवाते चलिए। तो इसके बाद जैसे ही कल ख़त्म हो जाएगा तो परसों से हम न्यूमेरिकल बनवाना शुरू कर देंगे। तो आप लोग इसको न्यूमेरिकल बनवा के पूरा न्यूमेरिकल बनवाने के बाद ही करंट शुरू करेंगे, ठीक है? तो आज इतना ही, टाइम हो गया है, ऑल द बेस्ट। फिर कल मिलते हैं नए क्लास में बनावट के साथ। आएंगे तो पिक्चर नहीं बनाएंगे, बनावट केवल लिखवाएंगे, इसका वर्किंग रूल लिखाएंगे, और वर्किंग रूल लिखा कर उसके बाद इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया था उसको लिखा के कल चैप्टर को द एंड कर देंगे, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद इसका न्यूमेरिकल जितना है आप लोग को बनवाएंगे, ताकि आपका बार बार जो है कंप्लेन आ रहा था न्यूमेरिकल नहीं बनवा रहे, तो आपका वो कंप्लेन दूर हो जाएगा। आज इतना ही, सर आ गए, नए क्लास में आपको पढ़ाएंगे। आज के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स।
चलिए ऑन कीजिए, तब तक हम यहाँ बैठ के कमेंट सुन रहे हैं। माइक मत ऑन कीजिएगा। हैं हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू द ई लर्निंग क्लास ऑफ पायनियर कोचिंग सेंटर। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था क्या है वो उस क्लासरूम में बैठो, बैठ सब इधर आ जाता है। तो कल हम लोगों ने स्टूडेंट डिस्कस किया था कि कार्बाइल एमीन रिएक्शन पे हम लोगों ने क्वेश्चन लगाया था दो, और दो मैं होमवर्क के लिए भी आप लोगों को दिया था दो क्वेश्चन कि आप लोग उसको बना लीजिएगा। आई होप बहुत इजी क्वेश्चन थे दोनों के दोनों, बहुत आसान क्वेश्चन था, बन सकता है और आप लोग उसे आसानी से टैकल कर सकते हो, आप लोग उसे आसानी से बना सकते हो। फिर लास्ट में मैं जाते टाइम एक और रिएक्शन आप लोगों को बताया था, एक और रिएक्शन आप लोगों को समझाया था जिस रिएक्शन का नाम था राइमर टीमैन रिएक्शन। क्या नाम था? राइमर टीमैन रिएक्शन, सिमिलरली वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यह भी बहुत ही जरूरी रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो कार्बाइल एमीन रिएक्शन और राइमर टीमैन रिएक्शन, इस दोनों रिएक्शन को आपको इस टाइप से याद कर लेना है, इस टाइप से रट लेना है कि भाई किसी भी टाइम में किसी भी सिचुएशन में कहीं भी आप लोग बता सकते हो, कहीं भी आप लोग उस चीज़ को डील कर सकते हो, उस रिएक्शन को बता सकते हो। तो वहाँ पे कल हम लोगों ने जो केमिकल प्रॉपर्टी था अपने पास क्लोरोफॉर्म का, उसको हम लोगों ने ख़त्म किया था, और आज हमें स्टार्ट करना है इसके प्रिकॉशन के बारे में देखना है, इसका क्या क्या उपयोग हो सकता है उसको देखना है। देन हम लोग आज ही स्टार्ट करते हैं आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म भी क्लोरोफॉर्म की तरह ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी पॉलीहैलोजन्स कंपाउंड है, इसको भी आज हम लोग देखेंगे और इसको आज ख़त्म करेंगे। तो कैसे हो आप लोग, मस्त? स्टार्ट किया जाए। चलिए चलिए तो आज हम लोग सबसे पहले इसका देखते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है क्लोरोफॉर्म का। देन हम लोग इसके थोड़ा सा सावधानी के बारे में देख के आगे बढ़ते हैं और आयोडोफॉर्म को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए, यूजेज ऑफ क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म का उपयोग क्या देखना है स्टूडेंट हमें, क्लोरोफॉर्म का उपयोग। तो पहला तो इसका यूज है कि इसका उपयोग जो है सो एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है, बेहोशी करने के लिए किया जाता है। तो पहला यूज लिख लेते हैं हम लोग, पहला एनेस्थेटिक बेहोशी कारक के रूप में,
बेहोशी कारक के रूप में, या पहला यूज हो गया। दूसरा एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीसेप्टिक जिसको हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट प्रतिरोधी, क्या बोलते हैं प्रतिरोधी के रूप में। जैसे हमारे शरीर में कहीं कट जाता है, कहीं पे घाव हो जाता है, कोई जख्म आ जाता है, तो उसके लिए हम बहुत सारे केमिकल यूज करते हैं, जैसे बेटाडीन लगाते हैं हम लोग या फिर डेटॉल लगाते हैं। तो उन सभी जितने भी एंटीसेप्टिक दवाइयां हैं, जितने भी एंटीसेप्टिक औषधियां हैं, उसमें जो है सो क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है और बहुत ही बृहद स्तर पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास कितना एप्लीकेशन आ गया, दो। तीसरा है क्लोरोटोन, क्लोरोटोन बताया था क्या मैंने, जब एसीटोन की अभिक्रिया किसके साथ हो रहा हो, जब एसीटोन की अभिक्रिया जो है सो क्लोरोफॉर्म के साथ हो रहा हो, तो उस केस में हमारे पास क्या बन के आ जाता है, क्लोरोफॉर्म बन के, क्लोरोटोन बन के आ जाता है। और या क्लोरोटोन जो है या एक स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट होता है, स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं निंद्रा कारक, निंद्रा कारक औषधि के रूप में, यानी जितने भी नींद उत्पन्न करने वाली दवाइयां होती है, या जिससे कोई आदमी ज्यादा डिप्रेस हो गया या कोई आदमी क्रेजी हो गया, तो उसको नींद लाने के लिए बहुत ही जरूरी होता है, उसको नींद आना जरूरी होता है, आवश्यक होता है। तो उस केस में जिस दवा का उपयोग किया जाता है, जिस औषधि का, जिस मेडिसिन का यूज किया जाता है, उस औषधि को बोला जाता है क्लोरोटोन, यानी उस समूह के, उस औषधि के समूह को भी एक नाम दिया जाता है स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट। यानी ऐसी दवाइयाँ लेने पर आपको ज़्यादा नींद आती है, बेहोशी भी छा सकता है, तो वहाँ पे भी क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है, क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये थर्ड एप्लीकेशन है। फोर्थ में देखते हैं हम लोग, इसका यूज जो है क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन बताया था मैंने, क्लोरोपिक्रीन यानी क्लोरोपिक्रीन का जो इस्तेमाल है वह किया जाता है टीयर गैस बनाने में। क्या बनाने में किया जाता है स्टूडेंट, कि टीयर गैस बनाने में, जिसको हिंदी में आंसू गैस भी बोला जाता है, आंसू गैस भी बोला जाता है, वहां पे भी क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है, क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक और यूज हम लोग देख लेते हैं, नंबर पांच, सर्जिकल, सर्जिकल प्रोसेस में, सर्जिकल प्रोसेस में। अब सर्जिकल प्रोसेस क्या है, जैसे जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी जो मरीज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वह जो ऑपरेशन करते हैं, वह जो एक सर्जी केयर करते हैं, तो उसमें बहुत सारे मटेरियल निकलता है बाहर, बहुत सारा जो एक कह सकते हैं हम लोग जो कचरा निकलता है, तो उस कचरा को डिस्चार्ज करने के लिए उसमें जो भी बैक्टीरिया हैं, जो भी प्रोटोजोआ हैं, उन सबको डीएक्टिवेट करने के लिए एक दवा का यूज किया जाता है। तो उस दवा को बनाने में भी क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है, क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे पास ओवरऑल जो एप्लीकेशन था क्लोरोफॉर्म का, पांच यूज है, पांच यूज जो है सो सफिशियंट है आपके बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, तो इस पांचों को पहले आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, या इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके प्रिकॉशन के बारे में बात करते हैं, कि इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या प्रोटेक्शन अपनाने चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं साथ ही में बता देता हूँ, तब तक आप लोग इसको राइट डाउन कीजिए, फिर मैं इधर भी बता देता हूँ इसके प्रिकॉशन। प्रिकॉशन, सावधानी, ठीक है। तो एक नंबर में जो क्लोरोफॉर्म होता है यह हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत ही जल्दी अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो इसको जहां भी रखा जाता है अंधेरे में रखा जाता है, क्योंकि अगर इसको लाइट मिल जाए, सनलाइट मिल जाए, तो यह तुरंत रिएक्शन करके कोई अलग कंपाउंड बना देता है, कोई अलग यौगिक बना देता है। तो इसको जो है सो कैप्ट इन डार्क प्लेस, ठीक है, कैप्ट इन डार्क प्लेस, इसे जो है सो अंधेरे स्थान पर रखा जाता है, यानी वैसे जगह इसे रखा जाता है जहां पे क्या हो, अंधेरा हो। डार्क प्लेस मतलब क्या, अंधेरी जगह, अंधेरे जगह पे रखा जाता है इसको स्टूडेंट। पहला तो सावधानी ये हो गया हमारे पास। दूसरा, इसे केरोसिन से भरे हुए बोतल में, केरोसिन से भरे हुए एम्बर ग्लास इसे केरोसिन से भरे हुए एम्बर ग्लास में रखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसे कहां रखा जाता है, यानी वैसे बॉटल में रखा जाता है, वैसे जार के अंदर रखा जाता है जो क्या चीज से भरा हुआ हो, केरोसिन ऑयल से भरा हुआ है, केरोसिन के तेल से भरा हुआ हो। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वह हाईली रिएक्टिव है, और वैसे जार इसमें लिया जाता है, वैसा बॉटल लिया जाता है जो एम्बर ग्लास हो। अब एम्बर ग्लास क्या है, तो शीशा का वैसा ग्लास जिसके अंदर डायरेक्ट सनलाइट जो है अंदर नहीं आ पाए, तो वैसे ग्लास को हम लोग बोलते हैं एम्बर ग्लास। जैसे हम लोग देखते थे पहले जो भी सिरप आता था, जो भी ताकत की दवाइयाँ आती थी, उसको एक काले बोतल के अंदर रखा जाता था, या काले बोतल के अंदर रखा हुआ मिलता था, तो ऐसे ग्लास को बोला जाता है स्टूडेंट अम्बर ग्लास, या कहीं पे एक और नाम से आपको मिल जाता है वुल्फ बोतल। क्या बोलते हैं इसको, वुल्फ बोतल, ठीक है। तो पहला तो प्रिकॉशन है कि इसे डार्क प्लेस पे रखना चाहिए, दूसरा है कि केरोसिन से भरे हुए एम्बर ग्लास में इसको रखा जाता है। नंबर थर्ड, अब अगर आपको डिटेक्ट करने के लिए आ जाए, आपको पहचानने के लिए आ जाए कि आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा क्लोरोफॉर्म जो है वह प्योर स्टेट में है, शुद्ध अवस्था में है, और कौन सा क्लोरोफॉर्म जो है इम्प्योर स्टेट में है, अशुद्ध अवस्था में है, तो उसके लिए भी एक मेथड है हमारे पास, एक तरीका है हमारे पास, जिसके द्वारा हम शुद्ध क्लोरोफॉर्म की पहचान कर सकते हैं, शुद्ध क्लोरोफॉर्म का डिटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो किया क्या जाता है कि जब हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एयर के साथ कराते हैं, वायु के साथ कराते हैं, तो फॉजीन गैस के साथ हमारे पास एक और कंपाउंड बन के आ जाता है, एक और सब प्रोडक्ट बन के आ जाता है, जिसका नाम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl। क्या नाम होता है स्टूडेंट, HCl। तो अगर हम HCl की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से करा दें, AgNO3 से करा दें, तो अगर हमें वाइट PPT मिल जाए, यानी उजला प्रिसिपिटेट मिल रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि यह जो भी क्लोरोफॉर्म हमने लिया है यह शुद्ध अवस्था में है। अगर आपको वाइट PPT नहीं मिल रहा है, उधर उजला अवक्षेप नहीं मिल रहा है, तो हम ये समझ जाते हैं कि यह जो भी हमने जो क्लोरोफॉर्म ले रखा है वह एक प्योर अवस्था में नहीं है, शुद्ध अवस्था में नहीं है। तो उसको रिएक्शन के द्वारा हम लोग बता सकते हैं, उसको रिएक्शन के द्वारा भी हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे पता लगाया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने लिख लिया होगा पांचों पॉइंट। चलिए,
मैं इधर समझा रहा हूँ तब तक आप लोग उस दो पॉइंट को भी नोट डाउन कर लीजिए, उस दो पॉइंट को भी लिख लीजिए। चलिए नंबर थर्ड यानी प्रिकॉशन नंबर थर्ड, यह जो रिएक्शन है इसके शुद्धता को जांच करने के लिए यूज में लाया जाता है, वह जो क्लोरोफॉर्म हमने लिया है उसको पहचानने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिएक्शन की ओर रुख करते हैं। CH और Cl3 या हमने क्या ले लिया, क्लोरोफॉर्म। क्या ले लिया स्टूडेंट, क्लोरोफॉर्म, और इसका रिएक्शन मैंने करा दिया एयर के साथ, हाफ O2 के साथ। अब हाफ O2 मैंने क्यों लिखा है यहां पे स्टूडेंट, मैं तो O2 भी लिख के निकल जाता, तो हाफ O2 इसलिए लिखा गया है कि जो ऑक्सीजन एटम होता है या डाई एटॉमिक होता है, यानी या जब भी एग्जिस्ट करता है तो 2 मोल ऑक्सीजन के साथ एग्जिस्ट करता है। जैसे हाइड्रोजन को अकेले हम किसी रिएक्शन में H नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वह भी क्या होता है, डाई एटॉमिक होता है। हेलोजन को भी हम जैसे क्लोरीन को कहीं Cl नहीं लिखते हैं, Cl2 लिखते हैं। ड्यू टू दिस वह भी क्या होता है, डाई एटॉमिक होता है। जैसे सोडियम को कभी N2 लिखते हैं क्या, नहीं, Na केवल लिख के छोड़ देते हैं, क्योंकि जितने भी मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री की बातें हैं। चलिए, तो जब हमने क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एयर के साथ कराया, वायु के साथ कराया, तो यह हमको बना के दे देता है Cl, C डबल बॉन्ड O अगेन Cl, यानी इसका नाम होता है फॉस्जीन गैस। लाइट फ्लक्चुएट कर रहा है नितेश, ठीक है, फॉस्जीन गैस प्लस इस रिएक्शन से बाहर क्या निकलता है, HCl। क्या निकलता है स्टूडेंट, HCl। अब यह जो HCl हमारे पास मिला है, इस HCl का अगेन हम रिएक्शन कराते हैं AgNO3 के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराते हैं स्टूडेंट, AgNO3 के साथ। दिस कंपाउंड इज सिल्वर नाइट्रेट। क्या नाम है इसका, सिल्वर नाइट्रेट। तो यह हमें बना के दे देता है AgCl, और यही होता है वाइट PPT। कैसा प्रेसिपिटेट होता है इसका, वाइट होता है, प्लस बाहर निकल जाता है HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो अगर हम क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन कराए, HCl हमें मिला, उस HCl को फिर मैंने AgNO3 के साथ रिएक्शन कराया, अगर हमें वाइट PPT मिल रहा है, यानी उजला अवक्षेप हमारे रिएक्शन के अंदर आ रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि जो भी हमने क्लोरोफॉर्म लिया है वह शुद्ध अवस्था में है, एक प्योर स्टेट में है। अगर वाइट PPT नहीं मिल रहा है तो उस केस में ये मान लिया जाता है कि या जो भी क्लोरोफॉर्म लिया गया है या शुद्ध अवस्था में नहीं है या एक प्योर स्टेट में नहीं है। तो ये हमारे पास एक मेथड हो गया, एक तरीका हो गया कि कैसे हम शुद्ध क्लोरोफॉर्म की पहचान कर सकते हैं, कैसे शुद्ध क्लोरोफॉर्म को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देखिए, इफ वी टेक प्योर क्लोरोफॉर्म, प्योर क्लोरोफॉर्म देन वाइट PPT, देन वाइट PPT ऑब्टेन अदरवाइज
नॉट, ठीक है। यदि हम शुद्ध क्लोरोफॉर्म लेते हैं तो हमें वाइट पीपीटी मिलेगा, अगर हम शुद्ध क्लोरोफॉर्म नहीं लेते हैं तो उस केस में वाइट पीपीटी हमारे पास नहीं आएगा, कोई अलग अवक्षेप आ जाएगा, पीला अवक्षेप आ सकता है, नीला अवक्षेप आ सकता है, या वर्ट्रॉल आ सकता है, कोई भी आ सकता है। लेकिन हमें मतलब क्या चीज़ से है, अगर वाइट पीपीटी आया तो हम समझ लेंगे कि जो भी हम क्लोरोफॉर्म लिए हैं, जो भी हमारे पास क्लोरोफॉर्म है वह शुद्ध अवस्था में है। अगर वाइट पीपीटी नहीं मिला तो हम समझ जाते हैं कि जो भी हमने क्लोरोफॉर्म लिया है वह अशुद्ध अवस्था में है, शुद्ध अवस्था में नहीं। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारा एक टॉपिक था पॉलीहैलोजन्स कंपाउंड के अंदर क्लोरोफॉर्म, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स क्लोरोफॉर्म, तो वह समाप्त होता है। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दूसरा पॉलीहैलोजन कंपाउंड जिसका नाम है आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म भी बहुत ही जरूरी कंपाउंड है, इसका भी यूज बहुत ही ब्रॉड लेवल पे किया जाता है मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। आयोडोफॉर्म का यूज सबसे ज़्यादा जो किया जाता है, सबसे बड़े लेवल पे जहाँ किया जाता है वह है टिंचर बनाने में। जैसे हमारा कहीं घाव हो जाता है या फिर कहीं कट जाता है तो सबसे पहले हम जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, एक लिक्विड डालता है उस जख्म के ऊपर और उस जख्म को पोंछता है। तो वह जो लिक्विड होता है उसे बोलते हैं हम लोग टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीन का टिंचर। अब वह टिंचर में जो है बहुत ही बड़े लेवल पे आयोडीन का यूज किया जाता है, आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर हालाँकि एल्कोहल भी उपस्थित रहता है लेकिन जो आयोडीन होता है वह एंटीसेप्टिक होता है, प्रतिरोधी होता है, इसलिए उस विलयन में आयोडीन को भी मिलाया जाता है ताकि जो भी प्रोटोजोअल इफेक्ट है या बैक्टीरियल इफेक्ट है या उसको नष्ट कर देता है, यानी उस जख्म को और फैलने नहीं देता है, जो भी वहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं, जो भी वहाँ पे जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, सबको यह क्या करता है, नष्ट कर देता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आयोडोफॉर्म, क्या स्टार्ट करना है हम लोगों को, आयोडोफॉर्म। चलिए लिख लिया आप लोगों ने इसको, इसको भी लिख लेना है। अब हम पॉलीहैलोजन कंपाउंड के अंदर दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरा इसमें कंपाउंड देख रहे हैं जिसका नाम है आयोडोफॉर्म क्लोरोफॉर्म एंड सेकेंड वन इज आयोडोफॉर्म। आप लोग देख सकते हैं जो कपड़ा यहाँ रखा हुआ है उसका भी बहुत ही खस्ता हाल है, देखिए। चलिए अब सेकंड जो पॉलीहैलोजन कंपाउंड है हम लोगों के पास दो नंबर में आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ठीक है, या इसका एक और नाम हो जाता है ट्राई आयोडो, ट्राई आयोडो मीथेन, ठीक है। क्या है हमारे पास, ट्राई आयोडो मीथेन, जिसको कमर्शियल नाम, व्यावसायिक नाम जो है इसका वह है आयोडोफॉर्म। ट्राई आयोडो मीथेन भी बोल सकते हैं हम लोग या उसको आयोडोफॉर्म भी बोल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों में। थोड़ा सा इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला के बारे में हम लोग देखते हैं, मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या देखना है हमें, मॉलिकुलर फॉर्मूला
इसका हो जाता है CH3। अगर इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम देखते हैं तो कुछ इस प्रकार यह बन जाता है I और यहाँ हो गया H। इसलिए इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं आयोडीन एंड देन आयोडीन। तीन आयोडीन है तो ट्राई आयोडो और प्रेजेंस ऑफ वन कार्बन इज कॉल्ड मिथेन, यानी ट्राई आयोडो मिथेन। अब हम आते हैं इसके प्रिपरेशन के ऊपर। हम इसका प्रिपरेशन देखते हैं। प्रिपरेशन यानी इसका निर्माण कैसे किया जाता है उसको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला प्रिपरेशन जो है वह है फ्रॉम इथाइल एल्कोहल। क्या चीज से बना रहे हैं आयोडोफॉर्म हम लोग? इथाइल एल्कोहल के द्वारा बना रहे हैं। इस रिएक्शन को एक और नाम दिया जाता है हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्या बोलते हैं? हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। इसको हिंदी में भी लिखने की जरूरत है क्या? फ्रॉम इथाइल एल्कोहल से, या इस रिएक्शन को और क्या बोल सकते हैं हम लोग? हेलोफॉर्म रिएक्शन भी बोलते हैं। चलिए तो इसके रिएक्शन को देखते हैं हम लोग कि इथाइल एल्कोहल से आयोडोफॉर्म कैसे बनाया जा रहा है। हमने इथाइल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म भी बनाया था, हम यहाँ पे इथाइल एल्कोहल से आयोडोफॉर्म भी बना रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी उस रिएक्शन को बोला जाता है हेलोफॉर्म रिएक्शन, यहाँ पे भी इस रिएक्शन को बोला जा रहा है हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। गर्मी लग रहा है। चलिए देखते हैं इस रिएक्शन को। तो सबसे पहले हम ले लें इथाइल एल्कोहल। क्या ले लिया जाए? इथाइल एल्कोहल CH3 CH2 और OH, ठीक है, CH3 CH2 OH। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं हम आयोडीन के साथ। किसके साथ ऑक्सीडेशन करा रहे हैं? आयोडीन के साथ। द नेम ऑफ दैट कंपाउंड, क्या नाम है इस कंपाउंड का? इथाइल एल्कोहल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है मींस इस रिएक्शन से कुछ ना कुछ क्या होगा? बाहर होगा। यानी ऑक्सीकरण हो रहा है तो यह हमको बना के दे देता है एसीटल्डिहाइड। क्या बना के दे देता है स्टूडेंट? एसीटल्डिहाइड। और इस रिएक्शन से बाहर हो जाता है हाइड्रोजन आयोडाइड। कितने मोल में? 2 मोल में। तो पहला स्टेप में हमने क्या बना लिया स्टूडेंट? एसीटल्डिहाइड बना लिया। क्या बनाया हम लोगों ने? एसीटल्डिहाइड। स्टेप फर्स्ट, इथाइल एल्कोहल को हमने क्या चीज में बदल दिया? एसीटल्डिहाइड के अंतर्गत बदल लिया, ठीक है। अब अगेन एसीटल्डिहाइड का हैलोजिनेशन करा देते हैं हम लोग CH3CHO+3I2, ठीक है। कौन सा प्रोसेस हो रहा है? हैलोजिनेशन। क्या हो रहा है स्टूडेंट? हैलोजिनेशन यानी हैलोजनीकरण। हिंदी में हम लोग क्या बोल सकते हैं? हैलोजनीकरण। तो यह हमको बना के दे देता है CI3C OH+ बाहर निकल जाता है 3HI। क्या बाहर निकल गया? 3HI। अब उस कंपाउंड का नाम बताइए। तो यहां से तो हमने एसीटल्डिहाइड लिया है, लेकिन यहां पे तीन आयोडीन जो है सो इस तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, हटाया है, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई आयोडो एसीटल्डिहाइड। ट्राई आयोडो एसीटल्डिहाइड, ठीक है। आधा काम तो यहां पे हम लोगों ने कर लिया है।
ट्राई आयोडो एसिटाल्डिहाइड ला लिया है हम लोगों ने। अब अगर उस ट्राई आयोडो मीथेन में एक हाइड्रोजन एटम आ जाए तो यह कंप्लीट बना के दे देगा हम लोगों को क्लोर आयोडो फॉर्म। क्या बना के दे देगा? आयोडो फॉर्म। तो इसको अगेन लिखा जाए CO लिख लेते हैं CHO। अब इसका रिएक्शन कराया जाता है कास्टिक सोडा के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराया जाता है? कास्टिक सोडा यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन बाहर हो जाता है, यहां से सोडियम एसीटेट बाहर हो जाता है, सोडियम फॉर्मेट बाहर हो जाता है। लास्ट में हमें मिल जाता है CHI3। क्या मिल जाता है? CHI3। CI3 तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम और यहाँ पे अटैच हो गया, यानी कंप्लीट एक कंपाउंड हमको मिल गया CHI3। और यह जो CHI3 मिलता है यह येलो PPT के रूप में मिलता है, पीला अवक्षेप के रूप में मिलता है येलो PPT। और इसका नाम क्या है? आयोडोफॉर्म। क्या नाम है स्टूडेंट इसका? आयोडोफॉर्म। देन बाहर देखिए हम क्या मिल जा रहा है हमको CH C डबल बॉन्ड O और O Na। इसका नाम हो जाता है सोडियम फॉर्मेट। क्या नाम हो जाता है स्टूडेंट? सोडियम फॉर्मेट। यानी ये तीन स्टेप में, इस तीनों स्टेप को बोलते हैं हम लोग हैलोफॉर्म रिएक्शन। और क्या चीज से हम लोगों ने आयोडो फॉर्म बनाया है स्टूडेंट? इथाइल एल्कोहल से हम लोगों ने आयोडो फॉर्म बनाया है। इथाइल एल्कोहल से हमारे पास बन के क्या आ गया? आयोडो फॉर्म बन के आ गया। ठीक है, तो चलिए अब इसका डेफिनेशन आप लोग कैसे दे सकते हैं, इसका परिभाषा आप लोग कैसे बता सकते हैं? तो सबसे पहले एक काम कीजिए, आप यहाँ पे ये जो है हेडिंग बनाइए। हेडिंग के बाद ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन लिखिए, फिर इंट्रोडक्शन के बाद आपको रुक जाना है और प्रिपरेशन लिख करके पॉइंट वन में इतना आपको टॉपिक बना लेना है। देन इसका मैं वहाँ पे परिभाषा लिख रहा हूँ, परिभाषा लिखने के बाद आपको रिएक्शन के ऊपर आना है। ठीक है, देखिए इसका परिभाषा कैसे लिखा जाएगा, जब हिंदी में ही चला जाए, जब इथाइल एल्कोहल की अभिक्रिया, जब इथाइल एल्कोहल की अभिक्रिया यहां से इसको यहां से लेना है, जब, अब दिख रहा है, जब इथाइल एल्कोहल की अभिक्रिया आयोडीन के साथ, आयोडीन तथा कास्टिक सोडा, और लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड देखिए यहां पे NaOH के जगह पे हम KOH भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। या तो आप NaOH ले लीजिए या तो आप KOH ले लीजिएगा, बस डिफर कहां पे आएगा, डिफरेंस कहां पे आएगा? यहां पे NaOH के जगह पे क्या आ जाएगा? KOH आ जाएगा। यानी यहाँ पे Na के जगह पे क्या आ जाएगा? K आ जाएगा। यानी उस केस में आपको मिल जाएगा पोटेशियम फॉर्मेट। क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? पोटेशियम फॉर्मेट के साथ होती है होती है
तो आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म पीला अवक्षेप के रूप में पीला अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, क्या लिखा मैंने डेफिनेशन, जब इथाइल एल्कोहल की अभिक्रिया आयोडीन तथा कास्टिक सोडा के साथ होती है तो क्या प्राप्त होता है, आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। किस रूप में प्राप्त होता है, पीला अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, येलो पीपीटी के रूप में प्राप्त होता है। तो ये पहला प्रिपरेशन था हमारे पास आयोडोफॉर्म का, जो हमने क्या चीज से बनाया, उसको हमने बनाया इथाइल एल्कोहल के द्वारा बनाया। अब हमें देखना है कि हम एसीटोन के द्वारा कैसे बना सकते हैं, एसीटोन के द्वारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, तुरंत इसको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले आप इसको लिखिए, इसको लिखने के बाद आप डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन के बाद आप इस रिएक्शन को लिखिए। जल्दी लिखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत इसको। ठीक है, हो गया। चलिए अब दूसरा प्रिपरेशन जो है इसका, कि आप आयोडोफॉर्म को एसीटोन के द्वारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी वह एक और भी तरीका है जो हम आयोडोफॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं, और वह प्राप्त करने की जो विधि है उसको हम लोग क्या चीज से प्राप्त करेंगे स्टूडेंट, एसीटोन के द्वारा प्राप्त करेंगे, अर्थात एसीटोन से बनाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए अब हम लोग दूसरा विधि देख रहे हैं क्लोरोफॉर्म बनाने का, दो में फ्रॉम एसीटोन। क्या चीज से हम लोग बना रहे हैं स्टूडेंट, एसीटोन से बना रहे हैं। तो सबसे पहले इसका रिएक्शन देख लिया जाए, देन रिएक्शन के बाद हम लोग आते हैं इसके डेफिनेशन के ऊपर। तो मान लीजिए सपोज दैट CH3 C डबल बॉन्ड O और अगेन यहां आ गया हमारे पास CH3। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है स्टूडेंट, डाइमिथाइल कीटोन, या इसको बोल सकते हैं हम लोग एसीटोन। क्या बोल सकते हैं, एसीटोन। अब इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं 3 मोल NaOI से। क्या चीज से कराया है स्टूडेंट, NaOI, इसका नाम होता है सोडियम हाइपोआयोडाइड। क्या नाम होता है, द नेम ऑफ दैट कंपाउंड सोडियम हाइपोआयोडाइड, यानी इसका भी नाम लिख लिया जाए स्टूडेंट, सोडियम
सोडियम हाइपो एच वाई पी ओ आई ओ डी आई डी सोडियम हाइपो आयोडाइड। ठीक है, तो यहां से तीन एच रिप्लेस होता है तीन आई के द्वारा, यानी थ्री एच रिप्लेस्ड बाई थ्री मोल आयोडीन, यानी तीन हाइड्रोजन के जगह पे कौन आ जाता है, तीन आयोडीन आ जाता है। यानी फाइनली देखते हैं हमारे पास, देखिए क्या प्रोडक्ट बन के आ रहा है, सी आई थ्री सी डबल बॉन्ड ओ अगेन सी एच थ्री एंड द एलिमिनेटेड कंपाउंड ऑफ दैट रिएक्शन इज क्या हो गया, थ्री एन ए ओ एच। ठीक है, तो हमारे पास बन के क्या आ गया, इसका क्या नाम लिख सकते हैं हम लोग स्टूडेंट, ट्राई आयोडो एसीटोन। क्या नाम इसका हो गया स्टूडेंट, ट्राई आयोडो एसीटोन। अब जो आयोडीन बनाने आयोडो फॉर्म जो बनाने का हमारे पास प्रोसेस है उसमें यहां भी हम आधा कर चुके हैं, दो ही रिएक्शन इसमें आता है, दो ही प्रिपरेशन इसके हैं, दो ही मेथड है। अब उसका रिएक्शन हम करा देते हैं कास्टिक सोडा के साथ, किसके साथ करा दिया जाए, कास्टिक सोडा के साथ। तो एसीटोन को या इसको मान लीजिए स्टेप फर्स्ट, क्या मान लिया जाए, स्टेप फर्स्ट, यहां देखते हैं हम स्टेप सेकंड। ठीक है, तो एसीटोन को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, सी आई थ्री सी डबल बॉन्ड ओ अगेन सी एच थ्री। ठीक है, यानी यह जो हमारे पास ट्राई आयोडो एसीटोन बना है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक लाइन के अंतर्गत भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब या तो हमारे पास हो गया ट्राई आयोडो एसीटोन, इसका रिएक्शन हम करा देते हैं एन ए एच के साथ, यानी कास्टिक सोडा के साथ, तो यहां से बाहर हो जाता है ठीक है, यानी यहां पे भी हमारे पास आ गया सी एच आई थ्री प्लस सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एन ई, इसका नाम हो गया सोडियम एसीटेट, और ये हमारे पास मिल गया येलो पीपीटी, यानी आयोडीन का पीला अवक्षेप, इसका नाम लिख लिया जाए आयोडो फॉर्म। क्या नाम लिख लिया जाए स्टूडेंट, आयोडो फॉर्म। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले एसीटोन का रिएक्शन हमने कराया सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ, तो जब एसीटोन की रिएक्शन सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ हो गया तो ये हमको बना के दे दिया ट्राई आयोडो एसीटोन, देन अगेन ट्राई आयोडो एसीटोन रिएक्टेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड देन आयोडो फॉर्म एंड द लास्ट सोडियम एसीटेट इज ऑब्टेन। यानी सबसे पहले हम एसीटोन की रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ, देन जो हमारे पास ट्राई आयोडो एसीटोन बन के आ जाता है अगेन उस रिएक्शन का रिएक्शन हम करा देते हैं कास्टिक सोडा के साथ, इसका नाम है या लिख लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमारे पास क्या बना के दे दिया, येलो पीपीटी बना के दे दिया। तो जो आयोडो फॉर्म हमारे पास पॉलीहैलोजन्स कंपाउंड है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी हर एक साल अमूमन रिपीट होते रहता है, यह भी हर एक साल एग्जाम में आते रहता है, तो इस रिएक्शन को भी हमें बहुत ही गंभीरता के साथ लेना है, बहुत ही सिंसियरली लेना है इसको, और बार बार इस रिएक्शन को लिख लिख करके हमें ट्राई करना है, हमें कोशिश करना है। ठीक है, तो हमारे पास दो मेथड आ गया आयोडो फॉर्म बनाने का, फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम एल्कोहल एंड द सेकेंड मेथड इज फ्रॉम एसीटोन। इस रिएक्शन को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इसको रीअरेंज करके और करके इस रिएक्शन को भी लिख लीजिएगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी सी एच थ्री सी ओ
CH3 एसीटोन हो गया, इसका रिएक्शन करा दिया जाए 3I2 के साथ, किसके साथ 3I2 के साथ, फिर अगेन 4NaOH के साथ। देखिए पूरे रिएक्शन को मैं एक ही लाइन में लिख रहा हूँ, तो यह हमें बना के दे देगा CHI3 प्लस 3NaI प्लस 3H2O अगेन यहाँ प्लस CH3 COO और Na। इस रिएक्शन को और करके एक लाइन में हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने एक लाइन में ही पूरे रिएक्शन को लिख दिया है, लेकिन यह मेथड जो है यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे कौन सा स्टेप सर बताए हैं, कैसे कैसे कौन सा स्टेप प्रेफर किया गया है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आप लिख लीजिए। इस रिएक्शन को लिखने से पहले ये हेडिंग बनाइए फ्रॉम एसीटोन के बाद मैं इसका डेफिनेशन दे रहा हूँ, फिर आप लगाइएगा और रिएक्शन को लिखिएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जब एसीटोन की अभिक्रिया सोडियम हाइपोआयोडाइड तथा कास्टिक सोडा के साथ होती है, तो आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। इसको इंग्लिश में भी बना के लिख सकते हैं आप लोग, इस डेफिनेशन को इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कैसे लिखेंगे, व्हेन एसीटोन इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन सोडियम हाइपोआयोडाइड एंड कॉस्टिक सोडा देन द आयोडोफॉर्म इज ऑब्टेन्ड। तो सबसे पहले आप ये हेडिंग बनाइए, हेडिंग के बाद डेफिनेशन लिखने के बाद आप लोग स्टेप वन को लिखिए, देन आप स्टेप टू को लिखिए, और लास्ट में और करके आप इस रिएक्शन को भी लिख लीजिएगा कि एक लाइन में अगर आप याद करना चाहते हैं, एक लाइन में अगर इस रिएक्शन को आप देखना चाहते हैं, तो ये लास्ट वाला रिएक्शन के द्वारा आप याद कर सकते हैं, वहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको उतारिए आप लोग, राइट डाउन कीजिए, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ जा रहा है, तो उससे हम लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ये चंपारण का पहला हम लोगों का ऐसा क्लास है जो हम लोग ऑनलाइन चला रहे हैं, आप लोग ऑनलाइन के द्वारा देख रहे हो। थोड़ा सा शुरू में परेशानियां होती हैं, थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो उस चीज़ को हमें लाइटली लेना है, ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना है। इंशाल्लाह अगर 4-5 दिन में या पूरा ही जो समस्या है हम लोगों का जो सेटअप है सुदृढ़ हो जाएगा, उसके बाद कोई समस्या नहीं होगा। तब तक के लिए थोड़ा सा आप लोग भी एडजस्ट करो, थोड़ा सा कोऑपरेट करो। इस तरह से ये रिएक्शन आपके बुक में नहीं मिलेगा, मैं ज़्यादा आसान बना के इसको लिखा हूँ आपके बोर्ड के ऊपर। चलिए हो गया, अब हम लोग थोड़ा सा इसका देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, इसके भौतिक गुण के बारे में। मिटाया जाए, ओके।
हो गया। चलो अब जो प्रिपरेशन ऑफ आयोडोफॉर्म था हमारे पास वह खत्म हो चुका है। अब इसके गुण के बारे में थोड़ा सा देखना है, देन इसका उपयोग देख करके इस जो टॉपिक है हमारे पास इसको एंड किया जाएगा, इसको खत्म किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयोडोफॉर्म, भौतिक गुण किसका भौतिक गुण स्टूडेंट, आयोडोफॉर्म का भौतिक गुण। तो पहला तो भौतिक गुण इसका है, पहला ये इसका भौतिक गुण है कि या एक पीले रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ क्रिस्टलीय पदार्थ या एक पीले रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, पीले रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है जिसका गलनांक तीन सौ बयासी केल्विन होता है, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है स्टूडेंट, 382 केल्विन होता है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, या जल में अविलेय किंतु ऑर्गेनिक विलायक में विलेय होता है। ठीक है, तो ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में जिसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वह या एक पीले रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है जिसका जो गलनांक है जो मेल्टिंग पॉइंट है वह कितना होता है, 382 केल्विन होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट अपने, यह जो है सो जल में सिंपल जल H2O में या इनसॉल्युबल होता है। अगर हम लोग कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेते हैं, ऑर्गेनिक विलायक लेते हैं, सपोज दैट मान लीजिए हमने ईथर ले लिया, मान लीजिए हमने सपोज दैट एल्कोहल ले लिया, तो उन सभी विलायक में यह जो है घुलनशील होता है, सॉल्युबल होता है। तो दिस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयोडोफॉर्म। अब चूंकि अपना टाइम जो है यहाँ पे ओवर हो चुका है, मिश्रा सर आके बैठे हुए हैं, कल हम लोग थोड़ा सा इसके केमिकल प्रॉपर्टी और यूज को ख़त्म करके कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्रीऑन 12, देन DDT।
डीडीटी के बाद एक और हम लोगों को छोटा सा टॉपिक मिलेगा बीएचसी बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, और लास्ट में हम लोग देख लेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड। देन ये हमारा यूनिट ख़त्म हो गया। अप्रॉक्स 2 क्लास में हम लोग इस यूनिट को कवर कर लेंगे। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को दिया था कि जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है आप लोगों के पास, उसको आप लोग 1 से 10 तक बनाइएगा। 1 से 10 के बाद अगर उसके अंदर कोई परेशानी आ रही है तो मैं उस क्वेश्चन को बताऊंगा यहाँ पे, मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे डील करूँगा। तो उसमें मैंने आज देखा, थोड़ा सा टाइम मिला मुझको उस क्वेश्चन को देखने के लिए, तो मैं वहाँ पे देखा कि डायपोल मोमेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं। तो डायपोल मोमेंट आप लोगों को फिजिकल में पढ़ाया जाता है 11th क्लास के केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत, जो आप लोगों ने कम्प्लीटली भूल गया होगा, आप लोगों को याद नहीं होगा। तो थोड़ा सा मैं जो हम लोगों के पास डायपोल मोमेंट है, द्विध्रुव आघूर्ण जिसको हिंदी में बोला जाता है, उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, और कैसे आप लोगों को क्वेश्चन को टैकल करना है, कैसे आप लोगों को क्वेश्चन को कवर आउट करना है, तो उस चीज़ को भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। अब आप लोगों के सामने आएंगे मिश्रा सर, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो, केमिस्ट्री क्लास ख़त्म हो चुका है, अब इंग्लिश का क्लास होगा, सर आएंगे, तब तक आप 2-3 मिनट इधर उधर हो लीजिए।
हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग क्लास ऑफ पायनियर कोचिंग। पिछले क्लास में डिग्री की चर्चा हो रही थी और चार का बात मैंने आपको कर दिया है। हमने कहा कि छः ठो इंटरचेंज होता है डिग्री में, पॉजिटिव टू कंपरेटिव एंड कंपरेटिव टू पॉजिटिव दो ठो हुआ, पॉजिटिव टू सुपरलेटिव तीन एंड सुपरलेटिव टू पॉजिटिव चार। अब है कि चेंज फ्रॉम कंपरेटिव टू सुपरलेटिव एंड फ्रॉम सुपरलेटिव टू कंपरेटिव, ठीक है। तो हाउ टू चेंज फ्रॉम कंपरेटिव टू सुपरलेटिव। हाउ टू चेंज फ्रॉम कंपरेटिव टू सुपरलेटिव, ठीक है। इसमें क्या है, एकदम कुछ नहीं है, सबसे सरल सबसे आसान यही चीज है डिग्री में। हमको जहाँ तक समझ है कि कंपरेटिव टू सुपरलेटिव में चेंज करना सबसे सरल है, इसमें कोई झमेला नहीं है। पहला है He is more intelligent than any other boy in my class, ठीक है। He is more intelligent than any other boy in my class, यानी मेरे क्लास में किसी भी दूसरे लड़के से वह जो है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो than any other जो है पॉजिटिव का क्या चीज एनी अदर में बदलता है, नो अदर एनी अदर में बदलता है कंपरेटिव में। तो ये हो गया कंपरेटिव में, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन माय क्लास। तो इसमें एकदम आसान है, अब थोड़ा सा ध्यान से हमारी बात सुनिए, बात आप समझ जाएंगे। तो यदि कंपरेटिव डिग्री के सेंटेंस में अगर देन एनी अदर का प्रयोग हो, यहाँ से देखिए देन एनी अदर का प्रयोग हो, तो सुपरलेटिव में बदलते समय कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करते हैं, ये जो देन एनी अदर है इसको हटा देंगे, क्या करेंगे हटा देंगे। और एडजेक्टिव जो है ये कंपरेटिव डिग्री में, तो इसको सुपरलेटिव फॉर्म में बदल देंगे, ठीक है। अब बाकी कोई चेंज कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एडजेक्टिव को सुपरलेटिव फॉर्म में लिख देना है, आई देन एनी अदर हटा देना है, चला गया सुपरलेटिव में। तब जब चेंज करेंगे तब का हो जाएगा कि ही इज मोर इंटेलिजेंट है, तो सुपरलेटिव में हो गया द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट इंटेलिजेंट, और है देन एनी अदर हट गया, अब बाकी जोड़ दीजिए, इन माई क्लास, ठीक है। तब हो गया ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन माई क्लास, समझ गए ना बात। फिर एक बार हम आपसे कहते हैं कि यदि कंपरेटिव डिग्री के सेंटेंस में देन एनी अदर का प्रयोग हो, तो सुपरलेटिव में बदलते समय कुछ नहीं करना है, एडजेक्टिव को सुपरलेटिव फॉर्म में लिख देना है और देन एनी अदर को हटा देना है, बाकी कोई चेंज नहीं करना है, सब उसी तरह रह गया,
समझ गए। फिर एक तो लिखते हैं, अमेरिका इज रिचर देन एनी अदर कंट्री। अमेरिका इज रिचर देन एनी अदर कंट्री, ठीक है। तो रिचर यहां कंपैरेटिव डिग्री है, और ये देन एनी अदर जो है इसको हम हटा देंगे, ठीक है। आइए रिचर को हम सुपरलेटिव फॉर्म में बदल देंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। तब क्या हो जाएगा, अमेरिका इज, और रिचर का हो गया द रिचेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले हमेशा द लगता है। आर्टिकल में भी आपको बताया गया है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज होता है। तो द रिचेस्ट आई देन एनियर हट गया, आई कंट्री बच गया। अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री, ठीक है। अब क्या है कि जब ये हो जाएगा तब होगा कि हाउ टू चेंज फ्रॉम सुपरलेटिव टू कंपरेटिव। तो सुपरलेटिव में कंपरेटिव में बदलने का क्या नियम होगा, वही बात हम लास्टली आपसे कहेंगे कि कंपरेटिव से सुपरलेटिव में बदलने की जो प्रक्रिया बताई गई है उसी को उलट देंगे तो फिर सुपरलेटिव से कंपरेटिव में चला जाएगा। यानी कहने का मतलब कि अगर सुपरलेटिव में दिया है अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री, तो इसको कंपरेटिव में बदलना है तो क्या करेंगे, एडजेक्टिव को पॉजिटिव कंपरेटिव डिग्री में ला देंगे, आई दैन एनी अदर हटाए हैं तो दैन एनी अदर लगा देंगे, हम जगह पर चला आया। समझ गए ना बात, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। तो एक ठो ये हो गया कि यदि कंपरेटिव डिग्री के सेंटेंस में दैन एनी अदर का प्रयोग हो तो सुपरलेटिव में बदलते समय दैन एनी अदर को हटा देंगे और एडजेक्टिव को सुपरलेटिव फॉर्म में लिख देंगे, बाकी कोई चेंज आपको नहीं करना है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा रसा इज मोर पावरफुल देन ऑल अदर यूरोपियन कंट्रीज ठीक है। रशिया इज मोर पावरफुल देन ऑल अदर यूरोपियन कंट्रीज ठीक है। यानी रूस जो है वो सभी यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है, ताकतवर है, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि हमने कहा कि जिस तरह से एनी अदर का प्रयोग हो तो एनी अदर को हटा देते हैं और एडजेक्टिव को सुपरलेटिव फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ है कि यदि कंपरेटिव डिग्री के सेंटेंस में देन ऑल अदर का प्रयोग हो, किस चीज का प्रयोग हो, देन ऑल अदर का प्रयोग हो, ठीक है। तो सुपरलेटिव में बदलते समय क्या करेंगे, देन जो है इसको हम ऑफ में बदल देंगे, ठीक है।
ये ऑल जो है ये रह जाएगा और अदर को हटा देंगे और बाकी कोई चेंज नहीं करेंगे, केवल ये एडजेक्टिव जो है ये कंपैरेटिव डिग्री में है तो इसको हम सुपरलेटिव फॉर्म में बदल देंगे, ठीक है ना, बाकी कोई चेंज आपको नहीं करना है। तब क्या हो जाएगा, रसा इज अब मोर पावरफुल है तो सुपरलेटिव में क्या होगा, द मोस्ट पावरफुल, द मोस्ट पावरफुल, दैन की जगह ऑफ का प्रयोग होगा, ऑल को रहने देंगे, अदर को हटा दिए, अब बाकी सब लिख दिए, हो गया। तब क्या हो गया कि रशिया इज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल यूरोपियन कंट्रीज, यानी सारे जो यूरोपियन देश है उसमें रशिया जो है द मोस्ट पावरफुल है, यानी सबसे ताकतवर देश है, ठीक है। फिर एक तो देखिए, रवि इज रिचर देन ऑल अदर बॉयज इन माई विलेज। रवि इज रिचर देन ऑल अदर बॉयज इन माई विलेज, तो देन ऑल अदर का प्रयोग हुआ है यहां, तो हमने क्या कहा कि कुछ नहीं करना है, एडजेक्टिव को सुपरलेटिव फॉर्म में बदल देना है, देन के जगह पर यहां ऑफ का प्रयोग करना है, ऑल जो है ये रह जाएगा और अदर जो है इसको हटा देंगे, ठीक है, और बाकी कोई चेंज आपको नहीं करना है। तब क्या हो जाएगा, रवि इज रिचर का हो गया द रिचेस्ट, रिचेस्ट, देन को हटाकर ऑफ का प्रयोग करेंगे, ऑल रह जाएगा, अदर हट गया, अब बाकी सब लिख देंगे, बॉयज इन माई विलेज, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया आपको कि यदि हमने कहा कि दो बात मैंने कहा कि यदि कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में देन एनी अदर का अगर प्रयोग हो तो सुपरलेटिव में बदलते समय कुछ नहीं करना है, एडजेक्टिव को सुपरलेटिव फॉर्म में बदल देना है और देन एनी अदर को हटा देना है। दूसरा मैंने कहा कि यदि कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में देन ऑल अदर का प्रयोग हो तो कुछ नहीं करना है, एडजेक्टिव को सुपरलेटिव फॉर्म में बदल देना है, देन को हटा के उसके जगह ऑफ का प्रयोग कर देना है, ठीक है, ऑल रह जाएगा और अदर हट जाएगा और बाकी सब जो कहती हूँ उसी तरह लिख देना है, ठीक है। कोई असुविधा हो तो फिर संपर्क कीजिएगा, बोलिएगा, ठीक है। अब अगला आपको हम बताते हैं,
इंडियन क्रिकेट टीम इज बेटर देन मोस्ट अदर क्रिकेट टीम्स इन द वर्ल्ड. इंडियन क्रिकेट टीम इज बेटर देन मोस्ट अदर क्रिकेट टीम्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, यानी भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो दुनिया के अधिकांश टीमों से ज़्यादा बेटर है, अच्छी है. तो यहाँ क्या है कि हमने कहा कि देन मोस्ट अदर, देन एनी अदर, देन ऑल अदर और देन मोस्ट अदर. तो देन मोस्ट अदर का अगर प्रयोग हो कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में, यदि देन मोस्ट अदर का प्रयोग हो तो सुपरलेटिव में बदलते समय क्या करेंगे. चलिए पहले अभी ये बताइए हमको कि पॉजिटिव का क्या चीज़ कंपैरेटिव में मोस्ट अदर में बदलता है. क्या बदलता है? वेरी फ्यू. वेरी फ्यू पॉजिटिव का कंपैरेटिव में मोस्ट अदर में बदलता है. तो ये सेंटेंस कंपैरेटिव में है मोस्ट अदर. ठीक है, तो हमने कहा कि यदि मोस्ट अदर का प्रयोग हो देन मोस्ट अदर, तो इसका प्रयोग, इसको हम वन ऑफ में बदलते हैं. किस चीज में? वन ऑफ में. वन ऑफ में बदलते हैं. कहाँ लिखेंगे? ये जो एडजेक्टिव है कंपैरेटिव डिग्री का, इसको सुपरलेटिव में बदलेंगे और इसके पहले लगाएंगे ये वन ऑफ. ठीक है ना? फिर एक बार समझिए, मैंने कहा कि यदि कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में अगर देन मोस्ट अदर का प्रयोग हो तो इसको सुपरलेटिव में बदलते समय ये देन मोस्ट अदर जो है हट जाएगा, इसे वन ऑफ में बदल जाएगा और इसको सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले लगाएंगे. बाकी कोई चेंज आपको कुछ नहीं करना है. ठीक है, तब क्या हो जाएगा? इंडियन क्रिकेट टीम इज, ठीक है, अब ये बेटर है तो इसको सुपरलेटिव में बदलेंगे द बेस्ट होगा, लेकिन इससे पहले ये वन ऑफ लिखाएगा, इज वन ऑफ. अब बेटर बदल गया द बेस्ट में. द बेस्ट आई बाकी सब जोड़ दीजिए. क्रिकेट टीम्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट टीम्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, फिर एक तो देखिए, गुड हेल्थ इज मोर वैल्युएबल देन मोस्ट अदर थिंग्स. गुड हेल्थ इज मोर वैल्युएबल देन मोस्ट अदर थिंग्स. ठीक है,
तब क्या है कि यहाँ देन मोस्ट अदर का प्रयोग हुआ है, किस चीज में बदलेगा, वन ऑफ में, ठीक है। और एडजेक्टिव है मोर वैल्यूएबल, तो ये बदल जाएगा सुपरलेटिव में और इसके पहले वन ऑफ का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। तब का हो जाएगा गुड हेल्थ, इज, अब मोर वैल्यूएबल का होगा तो मोस्ट वैल्यूएबल, लेकिन इसी के पहले वन ऑफ आएगा, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स, ठीक है। गुड हेल्थ इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स, समझ ना बात। तो ये हो गया हाउ टू चेंज फ्रॉम कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव। मैंने आपसे उस दिन भी ये बात कहा था कि ऐसा नहीं है कि सारा सेंटेंस को आप सुपरलेटिव में बदल लीजिए या सारा सेंटेंस को आप पॉजिटिव में लेकर चले जाइए, ठीक है। लेकिन इसलिए कि जहाँ दो के बीच जब तुलना होगी तो सुपरलेटिव डिग्री में हो ही नहीं सकता है वाक्य, वो जब रहेगा तो पॉजिटिव में रहेगा या कंपैरेटिव में बदलेगा, सुपरलेटिव में वो होगा ही नहीं। सुपरलेटिव में कब होगा, जब दो से ज़्यादा के बीच की बात होगी। तो ये हो गया हाउ टू चेंज फ्रॉम कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव। अब है कि हम कहेंगे कि अब सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव, तो वहीं प्रक्रिया को उलट देना है, यानी यदि सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में वन ऑफ का प्रयोग हो तो क्या करना है, ये एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदल देना है और उसके बाद वन ऑफ हटा के और कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद देन मोस्ट अदर का प्रयोग कर देना है, हो गया। अब इसी को अगर सुपरलेटिव में बदले हैं तो ये देन मोस्ट अदर वन ऑफ में बदल गया है और सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले आके यूज हो गया है। यदि वन ऑफ है तो कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से हटाइए, कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव को बदलिए और उसके बाद ले जाकर है देन मोस्ट अदर लिख दीजिए, जगह पर चला गया नहीं। तो इसलिए अब है कि हाउ टू चेंज फ्रॉम सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव, कि सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में कैसे चेंज होगा। तो फिर वही बात है कि जो प्रक्रिया यहाँ बतलाई गई है आपको कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में बदलने की, इसी को हम उलट देंगे तो अपने जगह पर चला जाएगा, समझ न बात। अब ये हो गया आपका डिग्री, यानी छह चेंज हमने आपको बता दिया, फ्रॉम चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एंड फ्रॉम कंपैरेटिव टू पॉजिटिव ये दो, चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू सुपरलेटिव तीन एंड सुपरलेटिव टू पॉजिटिव चार, एंड चेंज फ्रॉम कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव पाँच एंड फ्रॉम सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव छः। तो ये छः ठो इंटरचेंज हो गया। अब कुछ एग्जांपल देकर हम आपको समझाते हैं। जैसे हमने कहा कि नो अदर हिंदी पोएट इज एज ग्रेट एज कालिदास। नो अदर हिंदी पोएट इज एज ग्रेट एज कालिदास, किसमें है ये, ये है पॉजिटिव में, ठीक है।
ये है पॉजिटिव में, तब इसको कंपैरेटिव में बदलना होगा। तो क्या करेंगे, अब देखिए आपको हम बताए हैं कि कंपैरेटिव में नो, पॉजिटिव का नो अदर जो है वो कंपैरेटिव में किस में बदलता है, एनी अदर में। कहाँ लिखते हैं, कंपैरेटिव एडजेक्टिव प्लस दैन के बाद, ठीक है। तब क्या हो जाएगा कि नो अदर हिंदी पोएट की तुलना की गई है कालिदास से, तो कालिदास उठ के आ गए यहां, कालिदास ठीक है इज ग्रेटर कालिदास इज ग्रेटर ठीक है। अब ये नो अदर जो है वो एनी अदर में बदलेगा, कहाँ लिखाएगा, कंपैरेटिव एडजेक्टिव प्लस दैन के बाद दैन, अब यहीं पर एनी अदर बदल जाएगा, दैन एनी अदर हिंदी पोएट, ठीक है। कालिदास इज ग्रेटर देन एनी अदर हिंदी पोएट। अच्छा अब हमने कहा आपको, अभी कहा मैंने, तो ये कंपैरेटिव में हो गया, तो सुपरलेटिव में हमने अभी आपको बताया है जस्ट अभी दो मिनट पहले कि यदि कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में देन एनी अदर का प्रयोग हो तो सुपरलेटिव में क्या करेंगे, देन एनी अदर को हटा देंगे और एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री में बदल देंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। तब क्या हो जाएगा कि कालिदास इज ग्रेटर का हो गया द ग्रेटेस्ट, द ग्रेटेस्ट, और ये जो दैन एनी अदर है इसको हटा देंगे, अब बाकी सब लिख देंगे। बस ठीक है, ये किस में हो गया, ये सुपरलेटिव हो गया और ये कंपैरेटिव हो गया, समझ गए ना। अब चलिए, अब क्या है कि नो अदर है तो इसका भी सुपरलेटिव यही होगा, एनी अदर है तो उसका भी सुपरलेटिव यही होगा, ठीक है। ये सुपरलेटिव है तो उसका कंपैरेटिव ये होगा, पॉजिटिव ये होगा। अब आप ये कीजिएगा कि एक ठो सेंटेंस इस तरह का लिख के उसका दोनों में चेंज कीजिए और तब अपने दिमाग में बैठाइए कि क्या हुआ, कि नो अदर है तो एनी अदर में बदल गया कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में क्या हुआ कि एनी अदर हट गया और ये जो है एडजेक्टिव जो है ये सुपरलेटिव डिग्री में बदल गया, ठीक है। तो एक ठो ये हो गया, सब का तीन माने पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, एक ठो सेंटेंस लिखिए उसका तीनों सेंटेंस एक साथ लिख लीजिए, पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब इसका कंपैरेटिव ये हो गया, इसका भी कंपैरेटिव ये हो गया, इसका सुपरलेटिव ये हो गया और इसका भी सुपरलेटिव यही हो गया, इसका पॉजिटिव ये हो गया और इसका भी पॉजिटिव यही होगा, ठीक है। अब देखिए, हमने कहा पॉजिटिव में वेरी फ्यू गर्ल्स इन माय कॉलेज आर एज ब्यूटीफुल एज
रानी, ये किसमें है? पॉजिटिव में. वेरी फ्यू गर्ल्स इन माई कॉलेज आर एज ब्यूटीफुल एज रानी, यानी मेरे कॉलेज में बहुत कम लड़कियां रानी जैसी सुंदर हैं. तो ये है पॉजिटिव में. मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव का जो वेरी फ्यू होता है वो कंपैरेटिव में किसमें बदलता है? पॉजिटिव का वेरी फ्यू, पॉजिटिव में है ना, ये वेरी फ्यू का प्रयोग है. तो पॉजिटिव का वेरी फ्यू कंपैरेटिव में किसमें बदलेगा? मोस्ट अदर में. कहाँ लिखाएगा? कंपैरेटिव एडजेक्टिव प्लस दैन के बाद. तो वेरी फ्यू गर्ल्स की तुलना की गई है रानी से, तो रानी कंपैरेटिव में उठ के आ जाएगी इधर, यानी रानी. अब वेरी फ्यू गर्ल्स है तो वर्ब लगा है आर. अब यहाँ रानी हो गई सिंगुलर तो वर्ब हो गया इज. रानी इज. अब क्या है कि पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, तो एज एज के बीच है तो एज एज को हटा देंगे, ठीक है, और ब्यूटीफुल का हो गया मोर ब्यूटीफुल. मोर ब्यूटीफुल. और उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद यहां दैन का प्रयोग होगा, दैन. और अब ये वेरी फ्यू जो है वो मोस्ट अदर में बदलेगा और कंपैरेटिव एडजेक्टिव प्लस दैन के बाद यूज होगा, ठीक है. तो वेरी फ्यू बदल गया मोस्ट अदर में. मोस्ट अदर. अब बाकी सब लिख दीजिए. गर्ल्स इन माई कॉलेज. ये हो गया कंपैरेटिव में, यानी रानी इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर गर्ल्स इन माय कॉलेज, ठीक है. अभी अब सुपरलेटिव में क्या होगा? अभी मैंने आपको बतलाया था कि यदि कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में देन मोस्ट अदर का प्रयोग हो तो किस में बदलेगा देन मोस्ट अदर? वन ऑफ में. वन ऑफ में बदलेगा. कहाँ लिखाएगा? सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले. पहले तो देन मोस्ट अदर को हटा देना है, वन ऑफ में बदल देना है और इसको सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले लिख देना है, बाकी कोई चेंज नहीं करना है. तब क्या हो गया कि रानी इज और मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री है तो ये हो जाएगा द मोस्ट ब्यूटीफुल और उससे पहले यहां वन ऑफ का प्रयोग होगा. वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल. बाकी सब इसमें जोड़ दीजिए. गर्ल्स इन माई कॉलेज, ठीक है. रानी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स इन माई कॉलेज. तब क्या हुआ? अब फिर ये तीन ठो सेंटेंस हो गया. ये क्या हुआ? ये सुपरलेटिव हो गया. अब तीन ठो सेंटेंस हुआ. अब फिर आप तीनों को एक जगह लिखिए और तब अपने दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट बैठाइए. हमने कहा कि यदि पॉजिटिव डिग्री में अगर वेरी फ्यू का प्रयोग हो तो वेरी फ्यू किस में बदलेगा? देन कंपैरेटिव में मोस्ट अदर में. कहाँ लिखाएगा? कंपैरेटिव एडजेक्टिव प्लस देन के बाद, ठीक है ना. तब क्या हो गया कि वेरी फ्यू गर्ल्स की तुलना रानी से की गई है तो रानी उठकर आ गई यहाँ, यानी रानी इज और कम ब्यूटीफुल है तो भैया जाए हट गया और ब्यूटीफुल का हो गया द मोर ब्यूटीफुल. देन अब वेरी फ्यू मोस्ट अदर में बदल गया यहाँ, मोस्ट अदर गर्ल्स इन माई कॉलेज, ठीक है.
और ये भी बताएं कि पॉजिटिव से सुपरलेटिव में अगर होगा वेरी फ्यू तो वन ऑफ में बदलेगा और सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले लिखाएगा। अभी 5 मिनट पहले आपको हम बताए हैं कि यदि कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में देन मोस्ट अदर का प्रयोग हो तो देन मोस्ट अदर जो है सुपरलेटिव में वन ऑफ में बदलेगा और ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले यूज होगा। तब क्या हो गया कि रानी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन माई कॉलेज, नहीं गर्ल्स तो ठीक है वन ऑफ है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स इन माई कॉलेज, ठीक है। अब ये तीनों को आप एक साथ लिखिए और दिमाग में बैठा लीजिए कि वेरी फ्यू होगा तो कंपैरेटिव में मोस्ट अदर में बदलेगा, सुपरलेटिव में वन ऑफ में बदलेगा, अगर मोस्ट अदर है तो पॉजिटिव में वेरी फ्यू में बदलेगा, सुपरलेटिव में वन ऑफ में बदलेगा, वन ऑफ है तो ये कंपैरेटिव में मोस्ट अदर में बदलेगा देन के बाद आएगा, और वन ऑफ है तो ये पॉजिटिव में वाक्य वेरी फ्यू से शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप एक एक सेट लिख लीजिए पूरा और तब अपने दिमाग में बैठाइए कि ये जो है वेरी फ्यू कंपैरेटिव में किस में बदलेगा, मोस्ट अदर में, कहाँ लिखाएगा कंपैरेटिव एडजेक्टिव प्लस देन के बाद, वेरी फ्यू जो है वो सुपरलेटिव में किस में बदलेगा वन ऑफ में, कहाँ लिखाएगा सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले, सुपरलेटिव का वन ऑफ पॉजिटिव में क्या बदलेगा वेरी फ्यू में, सुपरलेटिव का वन ऑफ कंपैरेटिव में किस में बदलेगा मोस्ट अदर में। तो इसलिए तीनों को आप एक जगह सेट लिख लीजिए एक एक सेट और तब अपने दिमाग में पढ़ के आँख बंद करके एक बार उसका मनन कीजिए कि मोस्ट अदर सुपरलेटिव में किस में बदलेगा पॉजिटिव में किस में बदलेगा, एक दूसरे को आप इसको इंटरचेंज कीजिए, ठीक है ना। तो ये हो गया डिग्री का चैप्टर, आपका समाप्त हो गया आज से। किसी को कोई असुविधा होगी कमेंट में वो टीम को लिखेगा, ये लोग बताएंगे कि लड़का को ये असुविधा है, फिर उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। लिख दे रहे हैं, ठीक है, 2-4 इसको घर पर बनाने का कोशिश करना लोग। पहला है माई ब्रदर इज एज स्ट्रॉन्ग एज योर ब्रदर, ठीक है, इनटू किसमें है ये पॉजिटिव डिग्री में है तो इसको कंपैरेटिव में बदलिए, ठीक है। दूसरा है वेरी फ्यू बॉयज इन माय स्कूल आर एज गुड एज मोहन, ठीक है, इसको आप बदलिए इनटू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव दोनों में, ये भी पॉजिटिव में है तो इसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों में बदलिए। तीसरा है
शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी अदर इंग्लिश पोएट. ठीक है, ये किस में है? ये कंपैरेटिव डिग्री में है. इसको आप पॉजिटिव और सुपरलेटिव दोनों में बदलिए. पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव. तो दो दो चार एक पांच हो गया. उसके बाद है अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपेरर्स. ठीक है, ये किस में है? ये सुपरलेटिव में है. तो इसको आप पॉजिटिव और पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव में बदलिए. ठीक है, उसके बाद है नो अदर रूलर इन इंडिया वाज एज ग्रेट एज अशोका. ठीक है, ये किस में है? ये है आपको पॉजिटिव में. इसको कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव में बदलिए. ठीक है, उसके बाद है The aeroplane flies faster than birds. The aeroplane flies faster than birds. ये किस में है? ये कंपैरेटिव में है. तो इसको आप पॉजिटिव में बदलिए. ठीक है, बस इतना ही. एक ठो ये हो गया और दो दो ठो ये हो गया और एक ठो ये हो गया. इतना बनाइए. अब कहिएगा कि हम लिख नहीं पाएंगे, तो इसलिए मोबाइल में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है ना, और हम भी इसको नोट कर लिए हैं और इसी आधार पर कल फिर इसका हम आपको मिलान करवाएंगे, मिलवाएंगे. इसलिए आप घर पर निश्चित रूप से इसको बनाकर प्रयास कीजिए कि आपसे ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा है. कल इस बात की चर्चा होगी या कल ही आप तय कीजिए अपने आप में. ठीक है, अब मैथ का ग्रुप का क्लास ओवर हो गया, अब बायो का शुरू होगा. ठीक है, इसलिए मैथ वाले जो लड़के हैं वो अब क्लास से बाहर हो जाएंगे और बायो वाले जो हैं वो रह जाएंगे. ठीक है, बायो के सर भी आ गए हैं इसलिए हम क्लास को अब छोड़ रहे हैं. ठीक है, फिर ओके देन, थैंक यू.
ऊपर में ऑन हो गई। हाँ गिला सौन कितना बड़ा सौन ये तो नहीं कपड़ा उपड़ा तो नहीं डॉक्टर से साफ करवाओ लोग इन्हें लोग भी ना करें ये पूरा बोर्ड पकड़ा में जाता है थी अभी ना रुका आज इतनी करीब का जुड़ब का खाली वो बटन दबाना चालू ना ना लेगा सन के ना का हम लेकर जुड़ल रहो ना ना हम दूसर का उतर नहीं लाइव फेस टू फेस जुड़े खाते हो चाहे ओ कमेंट तरह ऊपर ना आ पाई आवाज क्यों आई आवाज काटे वाले कम नहीं के व्यवस्था ऐसे व्यवस्था नहीं कहा कि खाली दिखाई पड़ो लिखबे नहीं करी असन बोलबो करी असन ऐसा बाना कि थोड़ा साउंड कम कर देब पहले शांत रहो सब। अरे बाबू शांत रहो तो फिर आवाज बंद करवा देंगे हम। अरे शांत रहो ना। अरे बगड़ा सब शांत रहो कम से कम। अरे शांत रहो सब ना रे बगाड़ सब बंद कर दो। ओके हम लोग पिछले क्लास से शुरू किए हैं यूनिट 8 और उसमें पढ़ रहे हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग। हम सोचे थे कि आप लोगों से थोड़ा बात करके पढ़ा सकते। इतना ना तुम लोग हल्ला कर रहे हैं कि किसका हम बात सुनेंगे किसका काटेंगे, इसलिए हम बंद करवा दिए। हम सोचे थे कि तुम लोग से थोड़ा सा मुखातिब हो सके, क्या समस्या है क्या परेशानी हो रही है कि थोड़ा सुधार किया जाता। तो तुम लोग इतना ना ज़्यादा एक बार वाइब्रेशन कर दे रहा है कि अस्पष्ट ही क्लियर नहीं हो पा रहा है। एकदम सब बागड़ है और बागड़ रहेगा तुम लोग। तो बाबू हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 8 है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और जिसमें हम लोग कल चर्चा हो चुका था स्वास्थ्य का क्या माने होता है। तो वह स्थिति जब हम शारीरिक रूप से मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से अच्छे हों, यानी कि स्टेट ऑफ फिजिकली मेंटली और सोशली वेलबींग को क्या कहा जाता है, हेल्थ। और बताए थे स्वस्थ होंगे,
हमारी कार्य कुशलता या हमारी कार्य क्षमता ज़्यादा होगी, हम ज़्यादा उत्पादन करेंगे, हम ज़्यादा डेवलप करेंगे, विकसित होंगे। स्वस्थ रहने के लिए क्या है भाई कि हम संतुलित आहार रहें, हमारा जो आहार हो वह संतुलित हो, यानी कि हम जो भोजन कर रहे हैं उसमें भोजन के सारे तत्व सारे अवयव शामिल हों। और क्या है कि आपको शुद्ध हवा मिले, साफ पानी मिले पीने को, आप आराम करें, आप व्यायाम करें, ठीक है, ये ज़रूरी है आपके स्वस्थ रहने के लिए। फिर बताया गया था कि भाई रोग क्या है, तो रोग में चर्चा हुआ था कि जब वह रोग क्या है, एक ऐसी स्थिति जिसमें हमारे शरीर का कोई अंग या अंगतंत्र सुचारू रूप से काम नहीं करता है, जिसके चलते हमारे शरीर में कई तरह के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसी स्थिति कहा जाता है कि हम रोग ग्रसित हो गए हैं या हमें रोग हो गया है। बताया होंगे कि रोग दो तरह का होता है, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक का माने होता है कि संक्रामक मतलब क्या, संक्रामक मतलब कि जो बाबू बीमारी रोगी से स्वस्थ व्यक्ति को फैले, जैसे एग्जांपल दी थी एड्स। अब संक्रामक बीमारी में आपका ये महामारी में कोरोना भी हो सकता है, और असंक्रामक जो स्वस्थ से रोगी को नहीं फैले, जैसे हम कैंसर बताए थे। फिर अब चर्चा हुआ था कि पाथोजेन कई तरह के होते हैं, जो रोगाणु हैं यानी कि जो पाथोजेन हैं, जो डिजीज कॉजिंग एजेंट हैं, वो विषाणु भी हो सकते हैं, जीवाणु भी हो सकते हैं, कवक भी हो सकते हैं, प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं। तो हम लोग वन बाई वन करके पढ़ना शुरू किए हैं, और इसमें हमारा पहला हेडिंग था जीवाणु जनित रोग, जिसमें हम बता चुके थे पहला बीमारी टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड जो था, इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है। ये साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होता है। इसका लक्षण क्या है भाई, तो बताया गया था कि उच्च ज्वर, हाई फीवर होगा, भूख नहीं लगेगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, सिर में दर्द रहेगा, ये सब इसके खास लक्षण हुए। ये कैसे इसके जो रोगाणु हैं यानी कि जो ये जो जीवाणु है जिसका नाम साल्मोनेला टाइफी, ये कैसे हम तक आ जाता है स्वस्थ व्यक्ति तक, तो ये प्रदूषित खाद्य पदार्थ, प्रदूषित खाने पीने की वस्तु द्वारा। इससे बचने का क्या उपाय है, तो विभिन्न प्रकार के प्रतिजैविक, कुछ खास तरह के प्रतिजैविक होते हैं जिसके सेवन से हम इसे बच सकते हैं। और जैसे बताए थे बाबू कि सेफिक्जिम और फ्लॉक्सासिन ग्रुप का आप एंटीबायोटिक ले सकते हैं, इजिथ्रोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक का सेवन कर सकते हैं। इस हालत में जब पेशेंट को जब टाइफाइड हो जाए तो कंप्लीट बेड रेस्ट दिया जाता है, उसे आराम करने की सलाह दी जाती है। वाइली स्पाइसी तैलीय और मसालेदार खाद्य पदार्थ परहेज करने को कहा जाता है, ऐसा इसलिए कि कंस्टिपेशन रहता है, जो आपके जो आप कह सकते हैं बाबू कि जो आपके जो पाचक जो पाचन ग्रंथियाँ हैं वो थोड़ा सुस्त हो जाती हैं, उतने पाचक रस नहीं छोड़ पाते हैं, इसलिए आप लिक्विड फूड आइटम लीजिए जिससे कि डाइजेशन में सहूलियत हो। चर्चा हुआ था, और इस रोग का टेस्ट किससे कर सकते हैं, विडाल टेस्ट से, ध्यान देना है, कल शायद छूट गया था। ये विडाल टेस्ट क्या है, WIDAL, विडाल का हिंदी वो विडाल होगा। ये विडाल टेस्ट कहला किया जाता है, विडाल टेस्ट कहला किया जाता है भाई, तो टाइफाइड फीवर टाइफाइड बुखार हुआ है, इसके जांच के लिए टाइफाइड फीवर या टाइफाइड बुखार के लिए हम या टाइफाइड रोग के जांच के लिए विडाल टेस्ट करते हैं। विडाल टेस्ट कहला करते हैं टाइफाइड के लिए, विडाल टेस्ट किस लिए, टाइफाइड बुखार के लिए, ठीक है। ये तो सारी बात की कल चर्चा हो चुकी थी, अब हम लोगों का नेक्स्ट है, हम कल चर्चा किए थे आपके बारे में कि हम लोग निमोनिया का चर्चा किए थे, निमोनिया यानी कि सेकेंड जीवाणु जनित रोग हम लोग पढ़ रहे थे जिसका नाम था न्यूमोनिया, सेकेंड जीवाणु जनित रोग क्या था हमारा, निमोनिया। तो वहां भी अब हम कल चर्चा किए होंगे कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसके पाथोजेन क्या है, इसके रोगाणु कौन है, तो इसके पाथोजेन या रोगाणु का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, दो है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नामक दो जीवाणु है जिसके चलते निमोनिया हो जाता है। तो निमोनिया बाबू होता क्या है,
यानी कि सबसे पहले हमने क्या लिखा, पाथोजेन। पाथोजेन माने रोगाणु, रोगाणु मतलब रोग उत्पन्न करने वाले कारक। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, कल भी हम चर्चा किए थे ना, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ठीक है, यही नाम एक याद रखें। और एक दूसरा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी भी है। तो अब इसमें सिम्टम बाबू क्या है, सिम्टम मतलब लक्षण, तो इसमें होता क्या है, तो कह रहा है कि जो रोगी होते हैं ना उनके फुफ्फुस के कुपिका में तरल पदार्थ भर जाता है। फुफ्फुस मतलब फेफड़ा, मतलब यहाँ लंग्स, जो लंग्स के अल्वियोलाई होते हैं, लंग्स के जो अल्वियोलाई होते हैं, जो लंग अल्वियोलाई होते हैं, या फुफ्फुस के जो कुपिका होते हैं। अभी फुफ्फुस का कुपिका क्या होता है थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े हुएगा, तो ये यहाँ पर क्या होता है बाबू, ये जब हम लोग जो हम लोग सांस लेते हैं किससे, नोज से, तो नोज से हम एयर ब्रीद किए, ब्रीदिन हुआ, अब नोज खुलता है नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी कहाँ खुलता है, एक ओपन स्पेस होता है ना जहाँ मुंह जाके खुलता है, नाक जाके खुलता है, कान भी वहाँ जाके खुला रहता है, कान भी उससे जुड़ा रहता है, उसे क्या कहते हैं बताइए, फायरिंग्स। तो वहाँ क्या होता है कि देखिए ये आपका हो जाता है विंड पाइप, तो यहाँ पर गर्दन में यहाँ दो पैरेलल पाइप होता है, एक को कहते हैं फूड पाइप इसोफेगस, एक को कहते हैं विंड पाइप, ठीक है, विंड पाइप और फूड पाइप पैरेलल रन करता है। तो ये आपका जो ट्राइकिया बोला जाता है, विंड पाइप को क्या बोला जाता है, ट्राइकिया, ठीक है, तो ये ट्राइकिया है, ये ट्राइकिया आगे दो पार्ट में बढ़ जाता है, ट्राइकिया को हिंदी में भी ट्राइकिया कहते हैं या वायु नली। अब ये जो ब्रांच हुआ, ठीक है, इस ब्रांच को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं श्वसनी या ब्रोंकी, ये हो गया विंड पाइप या ट्रैकिया, ये बाबू क्या हो गया विंड पाइप ट्रैकिया, ये हो गया श्वसनी या श्वसनी का, ये हो गया श्वसनी। अब इस श्वसनी का जो बाबू ब्रांच होगा, अब मान लिया जाए ये आपका श्वसनी का ब्रांच है, तो इस श्वसनी के ब्रांच को क्या कहेंगे, श्वसनिका, श्वसनी के ब्रांच को क्या कहा जाता है, श्वसनिका कहा जाता है। तो ये सब श्वसनिका हो गया, और यही देखिएगा श्वसनी के ब्रांच को श्वसनिका कहेंगे, और यही एक गुब्बारा जैसा संरचना में आके खत्म होता है, इसी को कहा जाता है कुपिका। क्या कहा जाता है बाबू, कुपिका। ये हो गया विंड पाइप ट्रैकिया, ये हो गया श्वसनी, इसका ब्रांच कहलाया श्वसनिका, और ये फाइनली आके कहाँ मिलता है, तो एक बैलून शेप स्ट्रक्चर बनाता है, इसे कहा जाता है कुपिका या अल्वियोलाई, कुपिका या अल्वियोलाई। अब एयर जो यहाँ आया, एयर, ये एयर यहाँ से आते 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 यहाँ जाके जमा होता है, इसे कहते हैं ये पूरा संरचना क्या बनाता है, ये पूरा आपको संरचना बन जाता है वास्तव में फेफड़ा, क्या बन जाता है, फेफड़ा, ठीक है। तो इस फेफड़ा के अंदर आप देखिएगा ऐसा कुपिका पाया जाता है, इसे कहते हैं अल्वियोलाई या कुपिका। तो इसमें क्या होता है ना कि या एयर आके यहाँ जमा होता है, पूरा एयर, अब यहाँ से ये एयर इस कुपिका से, इस एयर में से ऑक्सीजन, इस कुपिका से एयर में से ऑक्सीजन जाता है रक्त वाहिका में, वो बात की बात है। होता क्या है बाबू इस रोग में, कि जो फेफड़ा की जो कुपिका है ना, इसमें तरल पदार्थ भर जाते हैं, कुछ लिक्विड भर जाते हैं या फ्लूइड, ये आपका बाबू जो है, ये जो बैलून शेप स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं कुपिका। तो निमोनिया रोग बाबू क्या होता है, कि जो पेशेंट होते हैं ना निमोनिया, उनके फुफ्फुस के कुपिका में तरल पदार्थ भर जाते हैं, क्या भर जाते हैं, तरल पदार्थ, किसके जगह पर, ईयर के जगह पर, ईयर के जगह पर भर क्या जाता है बाबू, तो कुपिका, ईयर के जगह पर क्या भर जाता है, तो तरल पदार्थ, इसमें कुछ खास तरह के तरल पदार्थ भर जाते हैं जब निमोनिया होता है। और क्या होता है,
इसमें तरल पदार्थ भर गया, अब पेशेंट को सांस लेने में परेशानी होती है, घुड़घुड़ाहट होता है, वो आवाज़ नहीं लेगा ठीक से, सांस नहीं ले पाएगा, घुड़घुड़ाहट मतलब यहाँ से घड़घड़ाहट की आवाज़ आएगी। ये जो बच्चों में ज़्यादा बीमारी होती है तो ये क्या होता है ना कि उसके जो रिब्स होते हैं ना, ये यहाँ गाँव में बोलते हैं पाजर मारना, ये धसेगा अंदर की ओर बाहर निकलेगा, इसलिए गाँव में मतलब इसलिए इसको विलेज में जनरली हमारे जो दादी लोग होती हैं ना या गांव की जो महिलाएं, इनको कहा जाता है हब्बा डब्बा की बीमारी। तुरंत बच्चे अगर नहीं डॉक्टर से दिखाया गया, इलाज नहीं हुआ तो बच्चे नहीं बच पाते हैं। तो ये आपका सिम्टम में क्या हो जाता है कि इसमें लंग्स के कुपिका में जो लंग्स की अल्वियोलाई हैं, जो कुपिका है उसमें तरल भर जाता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है, घुड़घुड़ाहट की आवाज़ होती है, बच्चा को फीवर रहेगा, बच्चा को थोड़ा फीवर भी रहेगा, कपकपी के साथ उसको ठंडा लगेगा, शिवरिंग कोल्ड, बच्चा को क्या रहेगा, सर्दी जुकाम भी होगा बच्चा को, बच्चे के नाक से पानी भी गिरेगा, काफ़ी कपकपी लगी रहेगी उसको, उसको काफ़ी ठंडा लगेगा, जो रिब्स हैं उनमें मूवमेंट होगा और कई तरह की परेशानी बच्चे को बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका सिम्टम। पहला इसमें पॉइंट हम लिखेंगे रोगाणु का नाम, दूसरा सिम्टम। तो सिम्टम में क्या, तो फुफ्फुस के कुपिका में तरल भर जाता है, सांस लेने की कठिनाई होती है, सांस के समय घड़घड़ाहट की आवाज़ होती है, ठीक है, काफ़ी उसको फीवर भी रहेगा और काफ़ी तेज उसको ठंडा लगता है, ये सब उसका लक्षण हुआ। अब है कि बचने का उपाय क्या है, इसका प्रिवेंशन और कंट्रोल क्या है, प्रिवेंशन और कंट्रोल मैंने इसका हम रोकथाम कैसे करेंगे या नियंत्रण कैसे करते हैं, तो कंट्रोल में। तो अब इसके लिए भी क्या उपाय है, जब ऐसा स्थिति हो जाता है तो तुरंत डॉक्टर से मिला जाता है, और चूंकि ये बैक्टीरियल डिजीज है, निमोनिया कैसा डिजीज है, तो ये जीवाणु जनित रोग है, तो इसके लिए भी कई तरह के बाबू एंटीबायोटिक, कई तरह के प्रतिजैविक मिलते हैं, कई तरह के प्रतिजैविक आपको मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, डॉक्टर के उचित परामर्श से बच्चे को इस निमोनिया रोग से बचने हेतु एंटीबायोटिक दिया जाता है और फिर बच्चों का स्वास्थ्य ठीक होता है। तो ये अब कह रहा है कि ये फैल कैसे जाता है, ये कैसे स्वस्थ व्यक्ति से हो जाएगा, कैसे बीमार, अगर बच्चा का ज़्यादा जनरली बच्चा इससे प्रभावित होता है तो कैसे एक अस्वस्थ या इस रोग से ग्रसित बच्चा से कैसे स्वस्थ बच्चा को बीमारी हो जाता है, कर रहा है उसके संपर्क में, जैसे बच्चा ज़्यादा उसको छींकेगा खांसेगा ज़्यादा, उसके संपर्क में जो दूसरा स्वस्थ बच्चा है तो वो छींकने खांसने से उसके संपर्क में रहने वाले बच्चे वो ईयर में चला जाएगा, वो जो छींका खांसा तो ईयर ड्रॉपलेट्स, और बच्चा इन्हेल करेगा, बच्चा सांस से ले लेगा, उसके अंदर वो जीवाणु चला जाएगा, फिर उसको बीमारी हो सकती है। इवन कह रहा है कि बच्चे को हम जिस कटोरा से दूध पिलाएंगे, जिस कटोरा चम्मच के हेल्प से, अगर उसी बिना धोए साफ किए दूसरे बच्चे को पिला दे, उससे भी जा हो सकता है बीमारी। मतलब बच्चे जो रोगी व्यक्ति जो बच्चा है या रोगी व्यक्ति है उसके साथ जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं बर्तन, उसके भी उसी बर्तन से दूसरे स्वस्थ बच्चा को हम कुछ खिला दे पिला दे तो बीमारी लग सकता है, उसके संपर्क में जो बच्चा है उसको बीमारी लग सकता है। तो इसमें सतर्कता बढ़ती जाती है कि इस रोगी बच्चा के या रोगी व्यक्ति के संपर्क में स्वस्थ व्यक्ति या स्वस्थ बच्चा को नहीं रखा जाए, थोड़ा दूरी रखाया जाए, और उसके द्वारा जो इस्तेमाल किया गया खाद्य पदार्थ है या जिस बर्तन में उस रोगी को खाना दिया गया, उस बच्चे को खाना दिया जाए, उससे उसको नहीं दिया जाए। बात समझ में आ रहा है? तो ये इसका हो गया प्रिवेंशन और कंट्रोल, ये आपका निमोनिया है। तो ये आप दो नंबर बाबू परीक्षा में आएगा तो ऐसा ही लिखना है, पाथोजेन, इसके लक्षण, कैसे रोकथाम करेंगे। बाकी आप एक बार बुक देख लीजिए और इसको नोट कर डालिए। अब नैन बाबू आपके बुक में यही दो बीमारी का नाम दिया है जो जीवाणु जनित रोग है, ठीक है, लेकिन कभी कभी हम देखे हैं बिहार बोर्ड के परीक्षा में कि दिया है आपके सिलेबस में बस दो ही पढ़ने को, क्या क्या, तो नंबर एक टाइफाइड, दूसरा दिया है निमोनिया। लेकिन कभी कभी देखा गया है कि परीक्षा में बाबू
कुछ और भी हेल्प बुक में तो बहुत सारे रोग के बारे में दिया है, लेकिन आपके बिहार बोर्ड में भी हम देखे हैं कभी कभी कि हैजा पर आ गया, क्षय रोग पर आ गया, कमेंट लिखिए या उसके बारे में तो कैसे लिखिएगा। तो हैजा मतलब कलेरा, इसे गांव में हैजा कहा जाता है, ये जीवाणु जनित रोग है। तो अपने आप जनबे करते हैं कि हैजा में क्या होता है कि लूज मोशन होगा, डिहाइड्रेशन होता है, शरीर से पानी का ह्रास होता है, माउथ के रास्ते या एनस के रास्ते, मतलब मुंह पेट चलना हम बोलते हैं हैजा में। तो जैसे मान लो इसमें बहुत सारी बीमारी है, जैसे जीवाणु जनित रोग तीसरा हम जैसे देख रहे हैं कोलेरा, कोलेरा इसको हिंदी में क्या कहते हैं बाबू, हैजा, ये जीवाणु जनित रोग है। तो आप लोग पहले से पढ़े हुएगा इसके पैथोजन का नाम क्या हो गया, विब्रियो कोलेरी, ये इसके जीवाणु का नाम है। मतलब कलेरा या हैजा बीमारी जीवाणु जनित रोग है। आप लोग हम बाबू पढ़ क्या रहे हैं, तो बैक्टीरियल डिजीज पढ़ रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं, बैक्टीरियल डिजीज पढ़ रहे हैं या जीवाणु जनित रोग पढ़ रहे हैं, बैक्टीरियल डिजीज या जीवाणु जनित रोग पढ़ रहे हैं। तो जैसे दो हमने चर्चा किया, तीसरा है कोलेरा। तो आप कम से कम उसको आप ये याद रखिए कि वो किस उसके रोगाणु का क्या नाम है। तो कलरा जीवाणु जनित रोग है और जिस जीवाणु से होता है उसका नाम क्या बाबू, तो विब्रियो कोलेरी, सिंपल, पहले से भी आप लोग सुने होइएगा। अब यहाँ भी वही, ये पैथोजेन हो गया, अब इसका लक्षण क्या होता है, तो इसमें मुंह पेट चलने लगता है, शरीर से उसको कहते हैं शरीर से निर्जलीकरण होना, डिहाइड्रेशन, शरीर की जो वाटर हैं, जो लिक्विड हैं, जो वाटर हैं वो मुंह और मुंह के रास्ते से, मुंह पेट के रास्ते से बाहर सारे निकल जाते हैं, ठीक है, तुरंत नस वगैरह बैठ जाता है बच्चे को या व्यक्ति को, ये बच्चा को भी हो सकता है, बूढ़ा को, जवान को, किसी को हो सकता है, और तुरंत वीकनेस हो जाता है, तुरंत कंट्रोल नहीं किया गया तो सारे नस बैठ जाते हैं और उस पीरियड में तुरंत उसको वाटर एडमिनिस्टर्ड करना पड़ता है, पानी चढ़ाना पड़ता है। तो इसका लक्षण क्या है कि निर्जलीकरण होगा, शरीर से अधिक निर्जलीकरण हो जाएगा, मुंह पेट चलने लगता है, वीकनेस हो जाएगा, उस पीरियड में आप खाना भी नहीं खा पाइएगा, खाना पचेगा नहीं, कुछ भी खाइएगा खाना नहीं पचेगा, यानी कि अपच हो जाएगा, खाना नहीं खा पाइएगा और शरीर से पानी का ह्रास होने लगेगा, वीकनेस होगा, फिर भूख भी नहीं लगेगा, खाना पचेगा ही नहीं, कई तरह का समस्या आ जाएगा। तो ये आप इसका सिम्टम लिख दीजिए, ये हो गया रोगाणु, रोगाणु के बाद लक्षण, और फिर इसका रोकथाम। तो ये भी चूँकि जीवाणु जनित रोग है, इसके लिए भी हम प्रतिजैविक के सेवन से इस रोग का नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें पेशेंट को ORS का घोल दिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, या नमक, चीनी और पानी का घोल, इस रोग में लिक्विड फूड ज़्यादा दिया जाता है, नमक, चीनी, पानी का घोल पेशेंट को अधिक से अधिक दिया जाता है। अब नमक, चीनी का पानी का घोल कैसे बनाते हैं घर में, कि पानी उबाल लेते हैं, एक लीटर मान लीजिए, उबाल लिए, उबाल के जब ठंडा हो गया तो उसमें जब पानी उबाल रहे थे ना उसी समय उसमें हम मान लो कि 5 चम्मच चीनी डाल दी, 1 चम्मच नमक डाल दीजिए, और उसको उबालने के बाद उसको ठंडा हो गया, उसको हम ढक दिए, अब पेशेंट जब भी पानी मांग रहा है तो उसको बार बार वही पानी दे रहा है। या मार्केट में आता है ORS का घोल, ORS का घोल तुरंत तुरंत देना चाहिए कि पानी जो बॉडी से लॉस हुआ है उसका थोड़ा मेंटेन हो सके, रिकवरी हो सके। तो ये आप लक्षण हो गया, लक्षण के बाद रोकथाम कैसे, तो प्रतिजैविक के इस्तेमाल से हम इस रोग पर नियंत्रण कर सकते हैं। पेशेंट को अधिक से अधिक ORS का घोल देना चाहिए, नमक, चीनी, पानी का घोल देना चाहिए। ये हो गया रोकथाम नियंत्रण में। लक्षण पहले लिखिए रोगाणु का नाम, फिर बाबू लिखिए लक्षण, फिर लिखिए कैसे नियंत्रण और इसका कंट्रोल कैसे करें, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, नियंत्रण और रोकथाम। उसके बाद ये फैल कैसे जाता है, कैसे ये जीवाणु रोगी से स्वस्थ को चले जाते हैं। तो ये कह रहा है कि ये खाद्य पदार्थ, प्रदूषित खाद्य पदार्थ, जो खाने पीने का वस्तु है उसको ढक के नहीं रखा गया है, ठीक है, खाने पीने का जो वस्तु है उसको ढक के नहीं रखा गया है, और पेशेंट के मलमूत्र पर जो बैठे हैं घरेलू मक्खियां बैठी हैं, वो खाना खाने और पीने का वस्तु ढक के नहीं रखा गया है, तो उस पर वो बैठ गई, तो इसके जो जीवाणु हैं वहाँ आ गए खाने पीने की वस्तु पर, वहाँ से
जो उसको सेवन किया उसमें चले गए, तो प्रदूषित खाद्य पदार्थ से ये रोगाणु फैल जाते चले जाते हैं रोगी से स्वस्थ व्यक्ति को, प्रदूषित खाद्य पदार्थ के सेवन से। और इस रोगी के इस रोगाणु को पहुंचाने का, इस रोगाणु को रोगी से स्वस्थ तक पहुंचाने के लिए वेक्टर या ट्रांसमिटिंग एजेंट या संवाहक का काम कौन करती है, तो घरेलू मक्खियाँ। याद रखिएगा, घरेलू मक्खियाँ इस रोगाणु को रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो इसलिए इसमें नियंत्रण में भी लिख सकते हैं कि क्या किया जाना चाहिए इसके लिए, कि घर में मक्खी मच्छरों से बचाव हेतु साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए, ये जो लाइजॉल आता है सरफेस वाश उससे, या डीडीटी का छिड़काव कर देना चाहिए अगल बगल, मतलब घर में पूरा साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए। खाने पीने की वस्तु को हमेशा ढक के रखना चाहिए, खाना ताज़ा खाना चाहिए, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ अपने घर में नहीं अगल बगल में भी। तो इस तरह से कोलेरा हो जाएगा। चौथा देखिएगा, अब बहुत सारा डिजीज है जैसे ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस, इसे क्या कहते हैं क्षय रोग, या शॉर्टकट में कहता है टीबी, हिंदी क्या होता है इसका क्षय रोग। ट्यूबरकुलोसिस का हिंदी क्या होता है क्षय रोग या टीबी कहा जाता है। अब इसका पैथोजन याद रखिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलियाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलियाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर TUBERCULY, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलियाई TUBERCULY, ट्यूबरकुलियाई। तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलियाई क्या है बाबू, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलियाई जो है ये आपका ट्यूबरकुलोसिस का रोगाणु हुआ। अब इसमें लक्षण क्या होता है, जिसको टीबी हो जाता है वह व्यक्ति, उस व्यक्ति को हमेशा हल्का बुखार रहता है, बुखार हमेशा 99% के आसपास बुखार रहेगा, उसको भूख नहीं लगेगा, शरीर का वजन कंटिन्यूस कम होते जाएगा, कम कंस्टिपेशन भी रह सकता है। ये लक्षण है, मुख्य रूप से क्या है इसमें, मुख्य रूप से इसका लक्षण क्या है कि बुखार हमेशा रहेगा 99% के आसपास, भूख कम लगेगा, शरीर का वजन कंटिन्यूस घटते जाएगा, ये इसका खास लक्षण है। बाकी तो आप कह सकते हैं सिर में भी दर्द सकता है, कपच अपच कंस्टिपेशन रहता है, कब्ज बना रहता है, तो ये कई तरह का ही हो गया। और एक और खास बात होता है कि पेशेंट कभी कभी जब छींकता है या खांसता है तो मुंह से ब्लीडिंग होने लगता है बाबू, यही पूरा जीवाणु फैल जाते हैं। तो जब पेशेंट खांसता है ना तो मुँह से ब्लीडिंग होने लगता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका लक्षण हो गया, रोकथाम का क्या उपाय है, तो इसके लिए भी प्रतिजैविक मार्केट में अवेलेबल होते हैं, डॉक्टर प्रतिजैविक लिखते हैं और इसमें लंबा इलाज चलता है, मतलब मिनिमम 4 माह का या 6 माह का डोज होता है। इसमें पेशेंट को कम्प्लीटली कहा जाता है कि कम्प्लीट बेड रेस्ट और रिच डाइट खाइए, रिच डाइट मतलब आप मटन चिकन पनीर जितना रिच डाइट हो खूब खाइए, खूब आराम कीजिए, आप दूध लीजिए, पनीर लीजिए, मटन चिकन लीजिए, एकदम बिल्कुल रेस्ट करना है। दवा खाना कम से कम 4 से 6 माह डॉक्टर के राय के हिसाब से ये इसका इलाज किया जाता है। और ये प्रदूषित हवा के माध्यम से, जैसे कोई व्यक्ति है उसको पहले से ट्यूबरकुलोसिस बीमारी है, वो हमेशा छींक रहा है, खांस रहा है, क्योंकि इसमें हमेशा खांसी बना रहेगा बाबू। इस बीमारी में खास बात एक और है कि हमेशा खांसी रहेगा उसको, दवा खाएगा खांसी ठीक ही नहीं होगा। इसका टेस्ट कैसे किया जाता है, तो ESR ब्लड का टेस्ट कराया जाएगा उसके लिए, ESR TCDC और चेस्ट का जब एक्सरे देखते हैं डॉक्टर तो बता देते हैं। तो रोकथाम में है कि भाई आप प्रतिजैविक लीजिए, आराम कीजिए। उसी तरह से 5वां नंबर है डिप्थीरिया। आपके ये सिलेबस में अब नहीं दिया है लेकिन कभी हम देखे हैं, पूछ दिया है परीक्षा में,
तो आप बना बना के लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम रोगाणु का तो नाम पता रखना चाहिए। तो इसके रोगाणु का नाम है डिप्थीरिया के कोरिने बैक्टीरियम, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। डिप्थीरियाई कुछ करके है। कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ये डिप्थीरिया हो गया, ये भी जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, आप खाली नाम भी याद रखिए तो काम चलेगा। डिप्थीरिया से काली खांसी भी कहा जाता है, डिप्थीरिया को काली खांसी भी कहा जाता है। उसके बाद है प्लेग, प्लेग बीमारी जो है बाबू ये 60 के दशक तक, मतलब 1950 के बाद आप कह सकते हैं 1970 तक भारत के लिए बहुत ही खतरनाक बीमारी माना जाता था प्लेग। अब इस पर पूरा कंट्रोल कर लिया गया है। एक बार पटना में हम लोग जब थे तो हमको लग रहा है कि 93 में, हमको लग रहा है कि 94 में एक बार हल्ला हुआ था, हम पटना रहते थे, हम लोग घर आए थे छोड़कर। तो प्लेग जो है ये प्लेग आपका बीमारी है, जीवाणु जनित रोग है, ये बहुत खतरनाक था। कब? मतलब वही 1970 तक। अब इस पर ये जल्दी सुनने को नहीं मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि ये कैसे फैलता है, तो एक तरह का पिशु नामक कीड़ा होता है, पिशु जो चूहा अगर में पाया जाता है, तो पहले चूहा संक्रमित होते हैं और चूहा गिर के अपने से मरने लगते हैं, फिर उसके बाद मानव संक्रमित होता है। एक तरह का कीड़ा होता है आर्थ्रोपोडा फाइलम का कीड़ा, इसे पिशु कहा जाता है। तो उस संक्रमित होता है, उसे चूहा को जाता है, फिर उसके द्वारा फिर मानव संक्रमित हो जाते हैं। तो प्लेग जो है वो एयरसिनिया पेस्टिज, एयरसिनिया YERSINIA एयरसिनिया पेस्टिज या पेस्टुरिला पेस्टिज नामक, पेस्टुरिला पेस्टिज नामक जीवाणु द्वारा यह बीमारी होता है, एयरसिनिया पेस्टिज या पेस्टुरिला पेस्टिज। ये दोनों तरह के जीवाणु या प्लेग बीमारी कर सकते हैं, एयरसिनिया पेस्टिज या पेस्टुरिला पेस्टिज। ठीक है, एक और कॉमन बीमारी है टेटनस, जिसे लॉक जॉ डिजीज भी कहा जाता है। लॉक जॉ, जबड़ा जो है लॉक हो जाता है, मुंह खुलेगा ही नहीं, बहुत खतरनाक बीमारी होती है। आप लोग देखते हुए कि जब कहीं भी एक्सीडेंट होता है ना, कहीं हम गिर जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, खरोच आ जाता है, कहीं कट फट जाता है, तो सबसे पहला काम क्या किया जाता है, टेटभेट का इंजेक्शन दिया जाता है, क्योंकि ये इतने खतरनाक है कि ये रोगी को संभलने का मौका नहीं देते हैं, टेटनस। ठीक है, बहुत खतरनाक बीमारी है टेटनस। तो ये क्लोस्ट्राइडियम टिटाइनाई, क्लोस्ट्राइडियम क्लोस्ट्राइडियम टिटाइनी नामक, क्लोस्ट्राइडियम टिटाइनी नामक जीवाणु से हो जाता है टिटनस। अच्छा, एक ध्यान दीजिएगा, एक ये कई बार आया है कंपटीशन में, एक बीमारी है टिटनस, एक टिटाइनी डिजीज होता है, जो शरीर में वो पाराथायरॉयड हार्मोन है, उस हार्मोन का जब सिक्रीशन कम निकलता है तो उससे बीमारी दे सकते हैं, टिटाइनी डिजीज, TETANY। वो टिटाइनी डिजीज बाबू एक मिलेगा, कॉमन मिलता जुलता नाम है टिटाइनी, TETANY। टिटाइनी डिजीज जो है वो शरीर में ना थायरॉयड ग्रंथि है, पाराथायरॉयड ग्रंथि है, तो उसके जो हार्मोन कम निकलते हैं उसके चलते
जब कैल्शियम आयन की कमी होती है तो उससे एक टिटैनी डिजीज होता है, वो दूसरा चीज़ है। याद रखिएगा, पाराथायरॉयड हार्मोन टिटैनी डिजीज वो अलग चीज़ है, कैल्शियम आयन की कमी के चलते। ये बीमारी का नाम है टेटनस, इसे लॉक जॉ बोन, लॉक जॉ डिजीज भी कहते हैं, जॉ लॉक या लॉक जॉ, मतलब ये जॉ मतलब हो गया जबड़ा, इसे हम लोग का ये नीचे वाला जबड़ा ऊपर वाला, जॉ लॉक, लॉक मैंने ताला लग जाना, जॉ लॉक डिजीज कहते हैं इसको, टेटनस को, जॉ लॉक डिजीज टेटनस। तो क्लस्ट्राइडियम टिटैनी ये द्वारा होता है। स्पेलिंग वगैरह में थोड़ा सा ध्यान देना है, हो सकता है कि आई का ई हम लिख दिए हूँ, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन याद रखिए क्लोस्टाइडियम टिटैनी। तो ये कुछ कॉमन डिजीज है जो जीवाणु द्वारा होता है। तो अगर आप कम से कम रोगाणु का नाम आपको याद हो बाबू, तो आप थोड़ा बहुत मिला जुला के दुमर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका था जीवाणु जनित रोग। अच्छा, बुक आप पढ़िएगा तो हो सकता है एक आध को पॉइंट हमसे छूट रहा हो। जैसे निमोनिया में हम बताए थे ना, निमोनिया में जैसे हम बता रहे थे कि अगर निमोनिया में बच्चे का तुरंत इलाज नहीं हुआ तो अंतिम स्थिति में उसके नाखून का रंग और ओठ का रंग नीले रंग का होने लगता है, नाखून और ओठ का जो रंग होता है, कलर होता है, वो जब नीला रंग का होने लगे, स्याही कलर का या नीला रंग का होने लगता है, तो समझिए कि बड़ा मुश्किल हो जाता है बचना, वो एकदम शेवर कंडीशन हो जाता है, मैंने बचाना मुश्किल हो जाता है पेशेंट को। तो कुछ बात हो सकता है कि छूटे, बिल्कुल नहीं घबराना है, आप होशियार बच्चे हैं, पढ़ लेना है। हम ये बताना क्या चाह रहे थे कि बैक्टीरियल डिजीज हमने ख़त्म किया, तो बैक्टीरियल डिजीज हमने ख़त्म किया, आएगा दो नंबर में, ज़्यादा तो आता नहीं है, दो नंबर में आता है तो बस रोगाणु का नाम लिखिए, रोग का लक्षण लिखिए और रोकथाम एवं नियंत्रण डाल दीजिए, हो गया, डैट्स ऑल। बात समझ में आया? तो इस तरह से हमारा बाबू ये ख़त्म। अब हम लोगों को देखना है वायरल डिजीज, इसे क्या देखना है, वायरल डिजीज मतलब विषाणु जनित रोग। तो विषाणु जनित रोग ज़्यादा नहीं है आपके सिलेबस में, एक सिंगल है, कॉमन कोल्ड बीमारी जिसे कहते हैं सर्दी जुकाम की बीमारी, यही बाबू आपके सिलेबस में दिया हुआ है, कॉमन कोल्ड या सर्दी जुकाम। तो सर्दी जुकाम तो आम बात है, लेकिन आज इस महामारी के चलते बड़ी टेंशन हो जा रहा है जिसको सर्दी जुकाम हो जा रहा है। हालाँकि बाबू जो ये मौसम है 2020 के पहले 2019 तक क्या लगता था, आम बात था सर्दी जुकाम, बाप रे परेशान है घर भरे सारे बच्चे को सर्दी जुकाम, लोग को जैसे जैसे आपका वेदर फ्लक्चुएट करता है, सरद गर्म होता है तो सर्दी जुकाम। लेकिन अभी सर्दी जुकाम हो गया तो मेरा दावा है कि अगर 100 आदमी को नॉर्मल सर्दी जुकाम हुआ, अगर जाके उसका टेस्ट कराया जाए तो उसमें 80 आदमी कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा। तो सर्दी जुकाम, तो वायरल डिजीज में विषाणु जनित रोग, वायरल डिजीज। तो यहाँ एक सिंपल यहाँ पास है कॉमन कोल्ड, ये बीमारी है जिसे हम लोग सर्दी जुकाम भी कहते हैं। ये कह रहा है कि विषाणु के खास समूह द्वारा होता है जिसे कहते हैं नासा विषाणु या राइनोवायरस। बस ये जो कॉमन कोल्ड बीमारी है, जो सर्दी जुकाम की बीमारी है, ये विषाणु के खास समूह द्वारा होता है जिसे क्या कहते हैं, राइनोवायरस, या हिंदी में क्या कहते हैं, नासा विषाणु, राइनोवायरस या नासा विषाणु। तो ये हो गया रोगाणु का नाम, सर्दी जुकाम विषाणु के जिस समूह द्वारा होता है उसका नाम है नासा विषाणु या राइनोवायरस। अब इसका लक्षण क्या है, इसका लक्षण क्या है भाई, कि वाटरिंग नोज, नाक से पानी गिरेगा, कंठ दाह, कंठ जलने लगता है, सिर में दर्द रहेगा, हल्का हल्का शरीर गर्म भी रह सकता है, और ऐसा स्थिति लगभग
तीन से सात दिन तक बना रहता है। बात समझ में आया? तो नासा भी चालू चलती है, कॉमन कोल्ड बीमारी होता है। लक्षण क्या है? कंठ दाह, मतलब जलेगा कंठ में, आवाज भी फट जाता है। उसके बाद माइल्ड फीवर रहेगा, हल्का बुखार रहेगा, नाक से पानी गिरेगा, सिर में दर्द रहेगा, ये सब इसके कॉमन लक्षण। मतलब सिर दर्द, हल्का बुखार होना, नाक से पानी गिरना, कंठ का जलना, और एक और खास बात होता है नेजल कंजेशन। नेजल कंजेशन मतलब होता है नासी संकुलता। नासी संकुलता मतलब खासकर ठंडा के दिन में जब होता है सर्दी जुकाम कस के, तो नाक जाम हो जाता है, सांस नहीं ले पाएगा, पूरा नाक जाम में एकदम रात सोते वक्त आ करके सुना पड़ेगा मुंह बाके। तो नासी संकुलता हो जाती है, नेजल कंजेशन। वही तो क्या हो जाता है लास्ट में, ओट्रीभिन का इंजेक्शन, सॉरी ओट्रीभिन, OTRIVIN, ओट्रीभिन आता है ड्रॉप्स, वही नाक में कफ गुण डाला जाता है ओट्रीभिन। तो इसमें क्या है भाई, तो इराइनो विषाणु के समूह से हो जाता है सर्दी जुकाम। लक्षण क्या है? तो नासीय संकुलता या नेजल कंजेशन हो जाता है, हल्का फीवर रहेगा, सिर में दर्द रहेगा, नाक से पानी गिरेगा, ये सब लक्षण है जो तीन दिन से लेकर सात दिन तक, मतलब एक सप्ताह तक अंदर लक्षण रहेगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और इसके लिए कोई खास दवा नहीं लिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप एंटी एलर्जी कोई दवा ले सकते हैं। इसका कोई खास ट्रीटमेंट, गांव में लोग तुलसी का चाय बनवा के पीता है बचने के लिए। और इसमें है कि ये जब भी वेदर फ्लक्चुएशन होता है तो ऐसा हो जाता है, और ये आप ज़्यादा से ज़्यादा एंटी एलर्जी लोग ले लेते हैं, जिससे सेट्रिजिन टैबलेट खाते हैं, ठीक है। फीवर मान लो थोड़ा ज़्यादा है तो आप लोग सिनारेस्ट वगैरह ले सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये ठीक हो जाता है। तो ये कॉमन कोल्ड है, ये बीमारी खत्म। बात समझ में आई? अब इसमें कहीं से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप ध्यान देना है, हम जैसे बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए, किताब पढ़िए, और जितना हम बात बोले हैं ना किताब का वही बात मिलेगा, आप नोट कर जाइए। वो आपका नोट्स हुआ ना, आपका ऑब्जेक्टिव सवाल छूटेगा ना, दो नंबर वाला ना पाँच नंबर वाला, और आपका जो नोट्स होगा वो इतना बेहतरीन होगा कि आप एक बार पढ़िएगा याद हो जाएगा। इसलिए आपके बाबू मन में थोड़ा सा किसी तरह का डाउट रह रहा है कि बाप रे सर नोट्स नहीं बनवा रहे हैं क्या होगा, आप मान लीजिए ना कि हमको NCERT पढ़ जाना है, NCERT हम नोट्स बना लेना है। अब आप बुक में जैसे देखिएगा, इसके बाद पता ना क्या दिया हो, लेकिन कुछ बातें दिया हो पढ़िएगा, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। नेक्स्ट हम लोग बाबू डिजीज ऐसे कहते हैं प्रोटोजोअल डिजीज, प्रोटोजोअल डिजीज। प्रोटोजोअल डिजीज मतलब प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग या प्रोटोजोअल डिजीज मतलब वह बाबू रोग, वह बीमारी जो प्रोटोजोआ से हो जाता है। जब तो आप लोगों को याद होगा, आप लोगों से बहुत को, प्रोटोजोआ क्या है? मोनरा किंगडम का मेंबर है कि प्रोटिस्टा किंगडम का मेंबर है, कि फंजाई का मेंबर है, कि बैक्टीरिया का, बोलो कोई बागड़ या बगड़ी। चलिए तो प्रोटोजोआ बाबू जो है वो प्रोटिस्टा किंगडम का मेंबर है, ये यूनिसेलुलर होते हैं। आप लोग थोड़ा बहुत किसी को गलती से याद होगा, एकाध को बागड़ बगड़ी सबको, अर्श खान दिखाई पड़ रहा हमको, पढ़ रहा है लग रहा है, याद करो। तो उसमें बाबू क्या आता है कि प्रोटोजोआ को ना, प्रोटोजोआ जो वर्ग है उसको कई उपवर्ग में बांटा गया है, प्रोटोजोआ क्लास को कई, ये आपका प्रोटिस्टा किंगडम का क्लास है प्रोटोजोआ, और इसको कई सब क्लास में बांटा गया है, जैसे अमीबॉयड प्रोटोजोआ, सिलिएटेड प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, स्पोरोजोआ। याद आया? तो ये आपको कई क्लास में बांटा गया है। तो ये प्रोटोजोआ जनित रोग, तो प्रोटोजोआ सीधे सीधे क्या होते हैं कि आपको एक कोशिकीय सजीव होते हैं जो प्रोटिस्टा जगत से बिलोंग करते हैं। तो दो बाबू बीमारी पढ़ना है प्रोटोजोअल डिजीज में। पहला पढ़ना हम लोगों को मलेरिया फीवर या मलेरिया बीमारी, और दूसरा वो पढ़ना है एस्केरिएसिस।
दो चीज के बारे में पढ़ना है, एस्केरिसिस। पहला पढ़ना है मलेरिया बुखार या मलेरिया, दूसरा पढ़ना है एस्केरिसिस। एस्केरिसिस को बाबू अमीबीय अतिसार भी कहा जाता है, अमीबीय अतिसार या एस्केरिसिस, दो बीमारी पढ़ना। ये दोनों प्रोटोजोआ द्वारा होता है। तो हम सबसे पहले अटैक मारेंगे किस पर, मलेरिया बुखार पर या मलेरिया डिजीज पर। तो चलिए सबसे पहले मलेरिया जो है ये जिस प्रोटोजोआ से होता है उसका नाम है मलेरिया, जिस प्रोटोजोआ से होता है ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो ये इस रोग के बाबू रोगाणु जिस प्रोटोजोआ के जिस उपवर्ग से बिलोंग करते हैं ना उसका नाम है स्पोरोजोआ। यानी कि मलेरिया बुखार हो गया प्रोटोजोआ के चलते। अब पढ़े ले होइएगा आप लोग कि प्रोटोजोआ का उदाहरण अमीबा भी होता है, हैं, जो अमीबॉइड प्रोटोजोआ हुआ जिसमें सीडोपोडिया बनता है। इसी इसका एग्जांपल आपको सिलेटेड प्रोटोजोआ का एग्जांपल पारामिशियम होता है जो सिलिया के हेल्प से चलता है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ होता है कशाभीय प्रोटोजोआ, जिसमें पढ़ा जाएगा टिप्नोसोमा गैबिन्स, जिसे अफ्रीकन निद्रालु व्याधि बीमारी होती है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, कुछ याद आ रहा है। तो कशाभीय प्रोटोजोआ होते हैं, पक्षमाभीय प्रोटोजोआ होते हैं, अमीबीय प्रोटोजोआ होता है। और इसी प्रोटोजोआ ये क्या है, क्लास है, क्लास के सब क्लास स्पोरोजोआ से बिलोंग करते हैं। क्या बाबू बिलोंग करते हैं, तो मलेरिया बुखार के पाथोजेन। मलेरिया बुखार के रोगाणु का परिचय पूछा जाएगा या आप मलेरिया बुखार के रोगाणु का परिचय दीजिए तो क्या कहिएगा कि मलेरिया बुखार के जो रोगाणु हैं प्रोटोजोआ हैं, क्या है, प्रोटोजोआ हैं जो कि प्रोटिस्टा जगत से बिलोंग करते हैं। और ये प्रोटोजोआ वर्ग के स्पोरोजोआ सब क्लास, एससी हम यहाँ लिख दे रहे हैं बाबू, एससी मने यहाँ हो गया सब क्लास, ये मलेरियल पाथोजेन आप ऐसे लिख दीजिए सबसे बढ़िया हो जाएगा, मलेरियल पाथोजेन। पाथोजेन माने बाबू रोगाणु, डिजीज कॉजिंग एजेंट। तो जो मलेरियल पाथोजेन है वो प्रोटोजोआ होते हैं। तो प्रोटोजोआ क्लास होता है इनका, प्रोटोजोआ क्लास में पढ़ते हैं। और इनके सब क्लास का नाम क्या है, स्पोरोजोआ, ठीक है। अब देखिए स्पोरोजोआ का कुछ लक्षण आप लोग बाबू बताइए, पढ़े हैं आप लोग थोड़ा बहुत लक्षण बताइए। सबसे पहला बाबू बात होगा ना कि ये इसमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होगा, ये सबसे पहला बात लिख दीजिए, ये इंडो पैरासाइट होंगे। क्या होंगे बाबू, इंडो पैरासाइट। इंडो पैरासाइट मतलब अंतः परजीवी, अंतः परजीवी मतलब ये शरीर के अंदर रहने वाले रोगाणु होंगे, शरीर के अंदर रहने वाले परजीवी होते हैं, इंडो पैरासाइट होंगे। कौन, तो स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ वर्ग के जितने प्रोटोजोआ होंगे, स्पोरोजोआ में जितने भी सजीव आएंगे प्रोटोजोआ के, सारे इंडो पैरासाइट होंगे। कोई भी इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होगा। जैसे आप पढ़े हैं ना कि कुछ प्रोटोजोआ में कशाभिका या फ्लैजिला होता है जिससे वो मोशन गति करता है, कुछ में शिलिया या पक्षमाभ होता है जैसे पारामिशियम उसे गति करता है, जैसे अमीबा में सीडोपोडिया से गति होता है, लेकिन कह रहा है स्पोरोजोआ में कोई भी बाबू लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, कोई भी उसमें गति करने वाला अंग नहीं होता है स्पोरोजोआ में। और क्या खास बात है, नो फूड वेहिकल, इसमें कोई भी खाद्य धानी नहीं होगा जैसे अमीबा में होता है, या नो सीवी, सीवी माने कंट्रैक्टाइल वेहिकल, संकुचनशील धानी। अगर आप लोग में से कुछ लोग पढ़े होंगे तो बाबू अमीबा में खाद्य धानी होता है जो अमाशय का काम करता है या छोटी आंत का काम करता है, भोजन का पचाने का काम करता है, उसी तरह से अमीबा में होता है संकुचनशील धानी जो ब्रिक का या किडनी का काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है। तो ये फूड, ये फूड वेहिकल्स, भोजन रस धानी या संकुचनशील धानी, ये सब नहीं होगा किसमें, स्पोरोजोआ में। और बाबू एक और खास बात, ये डाइजेनेटिक होस्ट होते हैं, ये डाइजेनेटिक,
इनके डाइजेनेटिक होस्ट होते हैं। डाइजेनेटिक समझ रहे हैं, डाइजेनेटिक होस्ट यानी कि इसके दो परपोषी होते हैं। याद रखिएगा ये हम क्या बता रहे हैं, मलेरिया रोग के रोगाणु का परिचय अभी हम शुरुआत में। तो ये डाइजेनेटिक होस्ट होता है। डाइजेनेटिक होस्ट का मतलब क्या हुआ कि जो ये रोगाणु है ना मलेरिया पैथोजेन के जो रोगाणु हैं उनको अपना जीवन चक्र कंप्लीट करने के लिए दूगो होस्ट बॉडी चाहिए। डाइजेनेटिक होस्ट का माने हुआ कि ये जो इस रोगाणु को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए दो परजीवी दो होस्ट चाहिए। माने इस परजीवी को जो मलेरिया रोग के रोगाणु हैं या जो परजीवी हैं इनको अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए दो होस्ट बॉडी चाहिए या दो परपोषी चाहिए। पहला क्या होगा, फीमेल एनोफिल मस्किटो। फीमेल एनोफिल मस्किटो हिंदी क्या होगा बाबू, मादा एनोफिल मस्किटो। ये हो गई प्राइमरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट। अच्छा बाबू किसी किसी बुक में कंफ्यूजन मिलेगा, घबराइएगा मत। प्राइमरी होस्ट मैंने प्राथमिक परपोषी, किसकी प्राथमिक परपोषी, मलेरिया रोगाणु की। प्राइमरी होस्ट क्या होगी, मादा एनोफिल मच्छर। ये प्राइमरी होस्ट हो गई, मादा एनोफिल मच्छर प्राइमरी होस्ट, ठीक है। और दूसरा सेकेंडरी होस्ट क्या हो गया, तो मानव। सेकेंडरी होस्ट क्या हो गया, तो ह्यूमन बींग्स, मानव का शरीर, ह्यूमन बींग्स। बात समझ में आया बाबू, बताए हैं कि स्पोरोजुआ ये मलेरिया रोग के रोगाणु प्रोटोजुआ वर्ग के स्पोरोजुआ उपवर्ग से बिलोंग करता है। ये सारे अंतः परजीवी होते हैं, इंडो पैरासाइट होते हैं, इसमें कोई भी गति करने वाला अंग नहीं होता है, लोकोमोटिव ऑर्गन नहीं होता है, इसमें खाद्य धानी या संकुचनशील धानी नहीं होती है, और ये डाइजेनेटिक होस्ट इनके होते हैं। मतलब ये अपने जीवन चक्र को दो परपोषी के सहायता से पूरा करते हैं। इसमें प्राथमिक होस्ट, प्राथमिक परपोषी किसको कहा जाता है, मादा एनोफिल मच्छर को, फीमेल एनोफिल मस्किटो को, और सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट, सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट कहा जाता है मानव को, ह्यूमन बींग्स को। मानव मतलब यहाँ हो गया ह्यूमन बींग्स या मानव। अब किसी किसी बुक में बाबू कन्फ्यूजन मिलेगा ना, तो घबराइएगा मत, ठीक है। हो सकता है किसी बुक में उल्टा पुल्टा दे दिया हो, लेकिन आप ये याद रखिएगा। तो ये अभी हम लोग बस परिचय पढ़े। आप लोग से अब रिक्वेस्ट है कि मलेरिया रोग के बारे में बुक में एकदम आसान भाषा में किसी बुक में लिखा होगा उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, जीवन चक्र दे दीजिएगा, फोटो बना के दिया होगा, कल इसको हम लोग ख़त्म कर देंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बहुत आसान सा चैप्टर है, आप बिल्कुल मत घबराइए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है बाबू, धन्यवाद। ए कनिया एक मिनट बाबू, एक मिनट, अब तो क्लास खत्म, अब तक जुड़ब, अब जुड़ो तो नहीं पूछी क्या बात का, कोई क्लास नहीं खनू अभी, अब जुड़ो तो खाने कटिया मत बाबू। सुनो हम अब सामने बाबू आए हैं, आप लोगों को जो दिक्कत हो लेकिन बारी बारी से हाउच पहुँच कीजिएगा, हल्ला गुल्ला। जैसे पहले बाबू आप लोग कोई लड़का गीत बजा रहा था, ये गलत बात है। आप लोग जो समस्या हो आप लोग बोलिए, क्योंकि नीतीश भैया बैठे हैं वो लैपटॉप से देख के बताएंगे। ये सब हो जाए हाई ऑफ कर, खुश रहिए खुश रहिए। अरे हो गया, सब कोई एक बार में खुश रहो, सारे बच्चे एक बार में खुश रहे हैं, प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, बस मन लगा के पढ़ो। अरे बोलो अर्श, बोलो देख रहे हैं हम तुमको, बोलो अर्श, बोलो हम देख रहे हैं तुमको। हाँ खुश रहिए खुश रहिए, बोलिए।
हम तो बोल रहे हैं भाई, तू बोलो ना, हम तुमको देख रहे हैं, बताया कौन रंग का टी शर्ट पहना है। अरे तुम कैमरा पर जाना पड़ेगा। अच्छा आ रहे हैं सामने, घबराओ मत, आ रहे बाबू आ रहे हैं, अब दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहे हैं। आवाज आएगा, आवाज आएगा, बोलो क्या दिक्कत है, बोलो। आवाज तो आना चाहिए साहब, कहीं कोई दिक्कत। हाँ बोलिए बोलिए अर्श। हाँ बाबू बोलो। सर क्लास के समय का आवाज सही से नहीं आ रहा है। क्लास के समय अरे और से जमा आप लोग समस्या बोलिए, चश्मा लगाया दिखाई पड़ रहा है। अरे आवाज आ रहा है भाई, सामने आइए, सामने सारा लोग, तुम लोग एक साथ बोल रहे हो, किसी का समझ नहीं पा रहा। तुम्हारा दांत दिखाई पड़ रहा है और तुम बोलो बाबू बोलो क्या दिक्कत है। अच्छा ज्यादा फास्ट पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे बोले हैं। अच्छा ठीक है धीरे धीरे बोलेंगे, मतलब बोलते हैं ना जो शॉर्ट एकदम लगता है कि थोड़ा सब एकदम छोटे में एकदम बोल दे रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। और कुछ सर, आप जो है क्वेश्चन का मॉडल बता देते कि कौन पांच नंबर का है और कौन सा दो नंबर का। अच्छा चौपट ही चैप्टर खत्म हो गया है, चैप्टर खत्म कर दिया है कि बता दें अभी, तू काहे टेंशन ले रहा है, मेरा ड्यूटी है ना। सुन वो सब हम बता रहे हैं, जैसे से आएगा बताएंगे। और सुनिए इस आप लोगों के बैच से 95 प्लस मार्क्स चाहिए, कितना 95 प्लस नंबर चाहिए बोर्ड में, इसलिए हमको तुमसे ज़्यादा चिंता है। हाँ वो आप लोग टेंशन छोड़िए, हमको कैसे नंबर आप लोग से लाना है। अरे तुमसे ज्यादा हम परेशान हैं कि कैसे तुम लोग से नंबर हमको उठाना है, 95 प्लस लाना है आपकी पारी। अच्छा तो तुम पेशेंस रखो ना, हम सब बताएंगे, घबराओ मत। अभी दो नंबर का प्रश्न आता है, घबराओ मत, दो नंबर के सारे पूछे जाते हैं, पांच नंबर में जहाँ पूछा जाएगा बताएंगे। पांच नंबर में कंफ्यूजन है सर, पांच नंबर में। अच्छा हम बताएंगे इस चैप्टर में कहाँ पांच नंबर का आएगा, बताएंगे मत घबराइए। अरे बगड़ा हम पांच नंबर का प्रश्न पढ़ ही भी नहीं किए हैं अभी। सर बात ये कि आप जैसे पढ़ा रहे हैं तो उसमें आप तो बोल ही रहे हैं तो उसका आवाज आ रहा है, साथ में जो नीतीश गलत बात है, कह रहे हैं कि बायोलॉजी हम मैथ पढ़ाते इसलिए मेरा शिकायत कर रहा है सभी, गलत बात है, ऐसा नहीं है, ये तो अपना काम करते रहता है चुपचाप। अरे आपके नीतीश भैया चुपचाप बैठे रहते हैं, नीतीश भैया नहीं रहेंगे तो हम लोग कैसे पढ़ा पाएंगे। हाँ बाबू बोलो। हाँ
अरे धीरे धीरे काम हो रहा है, जैसे तैसे। हेलो, आवाज ही तो बोलना है, बंद करो। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे, कोई दिक्कत हो तो बात होगा। इकनी के समस्या मैंने खत्म नहीं कर पाया।